لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم

रूल तनुसु तनुसु यानी आ, उसके अंदर शामिल है ये और एग्जैक्ट वर्ड मुझे इसका समझ नहीं आ रहा जैसे नस नसा या नुस्सु अच्छा उससे है ये जैसे कि वो इस बात की रेगुलेशन में बड़े वाजे तौर पे ये लिखा है कि फ़ाइन अल्लाह यहाँ तनुसु लायहा जो रेगुलेशन है उसमें बड़ी वो बड़ी वजाहत करता है कि अला अलाब अक्सर मिन उस आईनी युक्त व कैद हो कि जो दो हफ्तों से ज्यादा एब्सेंट हो जाए उसका नाम काट दिया जाएगा मतलब काट दिया जाएगा कैदू उसका नाम जी 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 रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी उसकी अच्छा

من جاء متاخرا فلا يدخل حتى يستاذن فلا بي... اب من ها. نومان بن سر تيسري نومان... جو سر آه... نومان نومان انا آسف میں معافی مشغولا میں نے آپ

जी यहाँ तक कि मैं आपको मशगूल ना कर दूं ना ना कर यानी दूं जी जी अब अब अब, अब मराब भी कोई बन जाए अच्छा ये बड़ी लाइन सर रहेगी मनजुल ये कौन कह रहे जो कोई आने देर से मुदा न हो मुरािबू को मैं पढ़ पढ़ू सर जी पढ़े अलमुराबू हा ऐलान ये पूरा ऐलान है आ, ये जरूरी ऐलान है हा उम, हा हा उम आ, हा... ले, सुन लें या ले ऐलान अच्छा इम्पोर्टेंट अच्छा, अच्छा, इंपौर्ट है ये ले लें पूरा ऐलान ये इम्पोर्टेंट है हाज ही खम हाजि खमसतो खुत कुतिन ये, ये, ये पाँच पॉम्फ्रेंड्स हैं यानी छोटी जो किताबें होती हैं मुफ़ीद रहबी किसासन किसासन इस्लामिया आ, ये छोटी पाँच किताबें हैं जो बहुत मुफ़ीद हैं जो मुश्तमिल हैं इस्लामिक स्टोरीज़ के ऊपर फमन पमन फमन यक्राह और यज अनिल अजअल वारदती और ये जो है जो कोई भी यानी इसको पढ़ेगा और और इसके अंदर जो जवाब देगा सवालों में से जो कि यहाँ पर वारिद हुए हैं कि आखिरी हक लहू जजा इजातून तो आखिर में उसके लिए इनाम है समझ आ रहा आखिरी हां तो उसके लिए आखिर में फलाहू तो उसके लिए आ, नहीं जो सवाल आखिर में आए हैं उनको तो जो याद करेगा जी जी हां जो सवाल सॉरी तो जो आखिर में सवाल आए वारिद हुए जो आखिर में तो उनके लिए इनाम है नहीं टेस्ट है। और जो जवाब देगा सवालों के जो वारिद हुए हैं आखिर में तो उनके लिए इनाम है अब सही सर उस जायजा का मतलब इनाम नहीं है जायजा का मतलब टेस्ट है अच्छा टेस्ट है। इनाम जजा होती है ये जायजा है सर टेस्ट है। टेस्ट की मीनिंग कैसे होगी जिसने सवालों के जवाब दे दिए उसका टेस्ट कैसे होगा नहीं नहीं देखे नहीं। ना कह रहे हैं हाँ कि इम्पोर्टेंट ऐलान है ये पांच किताबें हैं मौजूद हैं जिसमें इस्लामी है। जो इनको पढ़ेगा व युज अनिल अलवारदा फी आखिर और जवाब देगा जो इसके आखिर में सवाल हैं मौजूद फल तो ये उसके लिए जायजा भी होगा उस पर ठीक है और फिर मुसाबका फल इसमा दी के पस जो, जो चाहता है, जो जो है।, करता है हाँ, जी शरीक जी हो है। इसके अंदर तो इसके लिए जो है वो मुकाबले में तो मतलब मुकाबला है उसके लिए मुकाबला करना उसका कंपटीशन होगा रिजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कराए यानी उसके लिए मुकाबला होगा तो उसके लिए चाहिए कि वो रजिस्ट्रेशन करा ले अपना नाम मेरे पास यानी मुराक़िब कह रहे हैं जी सही सही जी जी ठीक है अब कोई और पढ़ ले इब्राहिम यहां पे ये ये भी मुराद हो सकता है कि वो अवार्ड है या इनाम है ये भी सही है ये वाला ज्यादा बेहतर मुझे भी यही लग रहा है कि इसको जो है ना हम इनाम से ही वो करें क्योंकि रखते हैं न, तो उसमें जाएजा उला, जाएजा तानिया ऐसे ही रखते हैं इनाम अच्छा 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 हाँ तो फिर इसका माना आप ये रिवॉर्ड ही करें कि बस जो उसको पढ़ेगा और इसके सवाल करेगा उसको इनाम मिलेगा और फिर उसके बाद एक मुसाबका है आ, यस तरिया, यस के वो जो इस तरीका में हिस्सा ले तो वो ये करे तो बिल्कुल ये जायजा यहाँ इनाम ही मुराद ले, ले। जायजे का मुराद ये टेस्ट भी होता है और बाज ये हिफ्स का जो शोबा है इसमें पारा जब पूरा हो जाता है तो उसका फिर कहते हैं जायजा है, है। तो वो एक छोटा टेस्ट लिया जाता है इब्राहिम या शेख लानजीदू का फी मकत का फीसर मीन कि भाई जो करना चाहता है वो अपना नाम मेरे पास लिखवा दे तो वो इब्राहिम कोई स्टूडेंट है वो कह रहे हैं शेख साहब हम ला नजीदू का फी मकतबी का पढ़े हमें हम आपको हम हम आपको नहीं पाते आपके ऑफिस में बहुत सारी दफा में बहुत सारी टाइम्स में जी जय फर मीन बहुत दफा हम या बहुत हम बहुत टाइम में में नहीं पाते आप। मुझे पाए मेरे ऑफिस बस अनकरीब आप मुझे पाएंगे अ, मेरे अ, मतलब मुदीर के ऑफिस में मकतबिल ऑफिस मुदीर में तो या शेख की ए, ए, ए मतलब फजील शेख का

अगर अच्छा। वो आपके सामने अब ये भी वर्ड सही है माजरत सही उज्र सही निकला है माजरत कि वो अगर आपको इस हवाले से माजरत करें ये भी कह सकते हैं इसको भी अगर वो आपके सामने कोई उज्र ये वाला उज्र रखें तो अफतस्मह लहू بالدخول क्या आप इसको दाखिल होने की इजाजत दे देंगे जईद जी जै. अब अल मुदरिस नाम अल मुदरिस निकलता है नहीं अब कोई और पड़ेगा इसका एक ही डायलॉग था सिर्फ सर अच्छा या या आखिर अप्रैल आयतल वारदा फिदर सी अहमद ये जो दर्श में आयत आई है इसको पढ़िए जी अहमद बादल इस्तेअज ही वबसमल्लती बादल इस्तेअज हती वलबसमल्लती

आ, इसके दो फेल मजूम हो जाते हैं ना ये करता है दो, फेलों को, दो फेलों को मज़ूम करता है और इन जो है अदात शर्त में से है यानी जिन आदात का हिस्सा उसका पार्ट हो होता है पढ़ाई जैसा कि इन तज तहिद तनजह अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे इन तद हबुखी अद हब अगर आप जाएंगे बाजार की तरफ तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा व शर्त नाम रखा जाता है पहले का फेल शर्त जवाब शर्त और दूसरे वाले का जवाब शर्त वायतमा फेतुरु आयत करीमा शर्त है, वो है तनसुरु और उसका जो जवाब शर्त है वो यंसुर है वाल फेल यूसफ बित मातुफुर और जो फेल यूसफ बित है ये यंसुर पर मातुफ है यानी कि ये भी जवाब शर्त है राइट सर जी बिल्कुल अर्जू अन तकून कद फहम तुम उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे आयतन उखरा तहवी इन या यासर क्या आप क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप मेंशन करें दूसरी आयत जिसमें इन का इस्तेमाल किया जाए ए यासिर सर ये सवाल ये मुझे अर्जुन तकून कद फहम तुम ये जुमला जरा अगर काइंडली जी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई है अर्जु अन फहिम तुम आ, अर्जु अन ये नहीं हो सकता है तकून जरूरी है से? बस ये कि भारत को बातचीत का कलाम का एक तर्ज है अच्छा। अर्जु आ, कद फहिम तुम भी हो सकता है अर्जु अन तकून कद फहिम तुम ये भी हो सकता है अच्छा जी सर जस्ट लाइक अ यूएनएस है मतलब स्टो उम्मीद है समझ आ गई होगी एक ये لفظ है उम्मीद है कि आप सब को समझ आ गई होगी ठीक है तो दोनों बातें हो सकती हैं ठीक है, है? सर, सर इनके बाद जरूरी है कि दो ही मतलब मुदारे हों और दोनों ही जो है मज्जूम हो क्या कह रही हैं इनके बाद अगर दो मुदारह हो और दोनों मज्जूम हो तो फिर जी इनके, जी इनके ये शर्त ये इसमें आता है इस कैटेगरी में जी जी बिल्कुल क्योंकि एक पहले शर्त बनेगा और दूसरा जवाब में शर्त इसलिए दो अफअल का आना जरूरी है ना सर बिल्कुल यहां से बोलेंगे यासिरु ना आम बिऔनल्लाही قال تعالى व انتعود نعद नाम, नाम। यानी वो कहते हैं हां अल्लाह ताला की मदद से قال تعالى अल्लाह ताला ने फरमाया व انتعود نعद यानी कि अगर तुम लौटोगे या पलटोगे ना उद हम भी पलटेंगे या लौटेंगे इसका मतलब ये तो ये तो दू ना था सर यहाँ पे तो यहाँ पर नून गिर गया और यहाँ पे ना उद जी ना अच्छा। तो में क्या पे? हुआ है तो इसके अंदर लास्ट आखिरी साकिन हो गया इसमें मजूम हो गया वाओ था ना नाउदू नाउदू हरफ इल्लत गिर गया जी अल मुदर्रिस अहसनता अयमकिनुका अन तज़कुरा आयतन उखरा या नुमान अहसन का एक्सीलेंट जी जी अयुम किनु का आपके लिए सिबल है अन तज़कुर आयतन उखरा या नवान एक्सीलेंट होता है मुमताज अहसन का गुड अयुम किनु का अन तज़कुर आयतन उखरा या नवान क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप जिक्र करें दूसरी आयत का ए नवान मेंशन करें दूसरी आयत अन नवान नाम बेअवनी जी हाँ अल्लाह की मदद से ताला ने, इल्ला अगर ना, तूने मुझे ना मुझे बख्शा और ना मुझ पे रहम फरमाया मैं हो जाऊंगा खसारा पाने वालों में इल्ला सर, इल्ला सर जो है वो अन के साथ जो है वो इल्ला इल्ला इन्ला। इन्ला। इन्ला।

तूने रहम किया इसीलिए सर इल्ला जो है वो शर्त बन गई जी तब फिर अली की जगह तब फिर ली हो अहमदु असम मता अदा वतुन उखरा यहाँ पर जो हुरूफ हैं दूसरे फ़ेल तजीमो फेलाइनी फे तो ज़ज़म देंगे दोनों फेलों को या उस्ताजु एस्ताज तो पूछ रहे हैं

अदवात ये अदातुन की जमा है आदात उसको कहा जाता है जिससे कोई चीज अदा की जाए हम? सिर्फ क्या कहते हैं किस क्या किया जाए जिससे कोई चीज जिससे कोई चीज अदा की जाए okay. प्रोनाउंस की जाए जिज़ाते मसे। जिज़ाते मसे। तो सही है आ यहाँ पर अलग है क्या फिर तो सम्मता अलग है यहाँ पर जी सम्मता और आ अलग है आ हमजा इस्तेफामिया है सम्मता ये आपका उजर्फ है जी अलमदरस नाम अलमदरस जी हाँ इन हरफ इन हरफ है वह हुना का अशरतु आसमा इन तजिमो फ्याल और वहाँ दस आसमा जो है सर आप किसी और से पढ़ाएंगे बच्चे में शोर करेंगे यहाँ पे डिस्टरबेंस हो जाएगी जी जी चले आप माइक बंद कर दो अहम महुमा अहम महुमा उनमें से इम्पोर्टेंट ये है मन नहवु मन जैसा कि फमन यामल मिसकाल दर्रतिन आउज बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन यामल मिसकाल दर्रतिन खैरन यरा बस जिस किसी ने अमल किया आ, बराबर जर्रे के आ, तो वो खैर को खैर का तो वो देखेगा और मन जो मन जो है वो हर्फ शर्त है यामल जजाए अ uh, क्या कहते हैं इसको शर्त uh, है शर्त है जी और फिर वो यरह जो है वो यरह वो uh, जवाबे शर्त है जी सर जवाबे शर्त जवाबे शर्त यहाँ पे जزم नहीं हुआ वो यरह हु है असल में यरह हु जो है ना वो हु उसके अंदर ज़मीर आ गई सर सही बात नहीं है तो यरा में सर या आ गया क्या यरा में या गिर के आखिर में राइट सही जी शेख मैं पढू ओके जी पढ़ें माँ ये एक दूसरा गजन का टूल है ना जैसे वमा तफालु मिन खैरीन इयालम इयालम अल्लाह और जो तुम करते हो ठीक अल्लाह उसे जानता है टाइम हो गया सिर्फ 5 मिनट बाद अजान शुरू हुई नहीं बाकी लोग अपने माइक ऑफ कर लें जब कोई पढ़ा हो प्लीज किया था हमने हम <laughs> तो उस असर की नमाज पढ़े तो आप अपना असर के नमाज पढ़े है ना मगरिब का टाइम हो उसना, ही गया उस ना आप घर की बातें सुना रही है प्लीज माइक बंद कर लें जी जलेंग वम तफ वमा तफलो मिन खैरिन यालम अल्लाह और जो तुम करते हो आ, कोई अच्छाई में से अल्लाह उसे जानता है इसमें माँ जो है वो हर शरत है जिसने काफालु को मजजूम किया और यालम आलम ये जवाब शर्त है और हु जमीर है ठीक है शेख दोबारा बताएं ये जो माँ है इसमें वो हर्फ शर्त है जिसकी वजह से तफालु जो है वो ये तफालून असल में क्या था ये तफालून था तो वो नून गिर गया तो और ये तफलू हो गया और आगे उसके बाद जो इसका जवाब शर्त है वो यालम है जो मीम के ऊपर जजम आ गया और आगे जो हु है वो जमीर है जी बिल्कुल नेक्स्ट है मता आ, मता तो वो उसाफिर आ, जब आप जी जब आप सफ़र करेंगे आ, तो मैं सफ़र करूँगा इसमें आ, मता के वजह से जो जो ये शर्त है जिसकी वजह से ये राज जजम हुआ है और जो उसाफिर है ये जवाब शर्त है जय उस मता जो है वो कब के मायनों में किस तरह आता है कब जब और जब में से फर्क कैसे समझेंगे अगर तो, तो इस्तेफाम होगा तो कब के माना में होगा ठीक है यानी जो इस्तेफाम का मता होगा वो जरूरी नहीं है कि वो दो अफाल को अ जजम दे जी ओके बारक अल्लाह जी बड़े आगे जी आईना अ कहां आईना तस्कुन अस्कुन जहां तुम रहते हो असकुन मैं भी वहां रहता हूं आ ये सही है शेख साहब ये तर्जुमा आई तस्कुन अस्कुन जहाँ तुम रहोगी मैं भी वही रहूंगा मुजारे है ना जी, जी. आ, तो इसमें जो शर्त है वो भी मजजूम हुआ है और जो जवाब शर्त है वो भी मजजूम हुआ है वो कसीरन माँ तलह तलहा बहुत सी जो मां जो यहाँ पे आए हैं माल जायदा वो मां अल अलजायदा है नेक्स्ट जो अदवा शर्त लिल तोकीद यानी तकीद के लिए नहीं, आ, नहीं। नहीं। सर ये नहीं समझ आया मा मा जो होता है ना, ये तो आपका आ गया किसके लिए शर्तिया आ गया ना कह रहे बहुत दफा अक्सर दफा मातलह माँ आजायदा इसके साथ हो जाता है माँ जायदा यानी आईना के साथ माँ लगा दिया जाएगा किस जाए। तौकीदी तौकीद के लिए ताकीद पैदा करने के लिए जी जैसे आए ना कुरान की आयत में अनामा तखोनू युद्ध रिक को मऊ तू तुम कहा जहां भी होगे यानी ताकीद के लिए भाई जहाँ कहीं भी होगे इसका दर्जो करेंगे जहाँ कहीं भी सिर्फ जहा नहीं करेंगे जहा कहीं भी हो गूद को लेगी, लेगी। साथ अगर माँ लगेगा तो ताकि के ही मायनों में आएगा ये मतलब मैं ये कह रही हूँ की अगर आना के साथ माँ लगेगा तो ताकीद के लिए ही आएगा वो मैं ये बाइक पूछ रही हूँ जी बिल्कुल मेरी आई ना आई माजम नज़द फिल मकतबी नष्टारी ही जो कोई भी डिक्शनरी हमें मिलेगी आ, मकतब में लाइब्रेरी में नष्टारी में मकतब ऑफिस को कहते हैं मकतबा लाइब्रेरी को कहते हैं यहाँ पे आ, लाइब्रेरी का लफ्ज इस्तेमाल हो मीनिंग आएगा जी जी फिल मकतबा है ना जी, आ, नश्तरी ही हम उसे खरीद लेंगे जी नश्तरी ही नहीं पढ़ेंगे इसको नश्तरी ही नश्तरी नश्तरी हम उसे खरीद लेंगे महमा नाहु महमा तकुल नुसद्दिक जो कुछ तुम तुम कहते हो हम उसकी करते हैं इफ। इफ हा... दन। आ... इस समझ के हो इस दर्स को अच्छे तरीके से जी। फमन फाहिमा हाजल दरसा जो कोई भी समझेगा इस दर्स को फकत फाहिमा बस वो समझ जाएगा दुरुसन कसीरतन बहुत से दुरुस को बहुत से सब इस बात को जय ली दर्सुन मेरे लिए दर्स इजाफी हाजल मसा ये मेरे लिए ये जो दर्स है वो एक्स्ट्रा है आ, इस शाम में फमन आरादा आज की शाम ये मेरे लिए मेरे एक इज़ाफी दरस है, है। यानी मेरा मेरे लिए नहीं मेरा मेरा एक इज़ाफी दरस है आज की शाम हम आगे बढ़ें फमन आरादा जो चाहता आरा, है फमन आरादा फमन आरादा बस जो कोई चाहता है इरादा करता है अन यस्तफीदा अयस्तफीदा के वो मुस्तफीद हो फल यहदुर बस वो हाजिर हो वमन लम यहदुर और जो कोई ना हाजिर हुआ फलई सा भी मालूम बस वो हरगिज नहीं उसे इसका इलम होगा नहीं नहीं हरगिज नहीं उस पे इसकी मलामत की जाएगी यानी बस को कुछ नहीं कहा जाएगा मतलब ये ऑप्शनल है जो करना चाहे बहुत अच्छी बात है यस्तफीद उस्तफादा कर ले फलिया हाजिर हो जाए वमलम या हजुर और जो हाजिर नहीं होगा भले ही सभी मलूम है उसको कोई कुछ नहीं कहा जाएगा अहमद कुल्लू ना हम सब सब के सब सहदुरु सय, हाजर होंगे इनशाला अल अलमदरस मता तू ना कब तुम चाहते हो अता तून ये तून का क्या अता यति 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 यानी या तू ना कब तुम आओगे कब तुम सब आओगे तुम सब कब आओगे अहमद मता तति नाति कब आप आएंगे जब आप आएंगे हम तब आएंगे ये ऑनलाइन सवाल हुआ था जब और कब के फर्क का समझ आ गया सामने मताता तुम तुम सब कब आओगे मताता ती न ती जब आप आएंगे तब हम आएंगे अल मुदर्रिस साती साती सात अल रापे आता इंशाअल्लाह हम चार जी, ठीक है। फी किस क्लास में हम बैठेंगे को कोई भी क्लास आप जवाब पढ़ना है ऊपर पढ़ना है ये मैं अलमदरिस का पढ़ रहा हूँ हाँ तो अयलिन अय्यासलिन कोई भी क्लास नजिद हम पाएंगे खाली खालिद ही हम उसमें बैठ जाएंगे समझ आ गया कोई सवाल नहीं है शेख मेरा एक सवाल है जी जी जल्द में ये किस तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है ये बात समझ नहीं आई कौन से ज़लज़ला में अल सूरत जलजिला की जो मिसाल है मन अदाते शर्त है नहीं है है अच्छा इस ये अमल किस पे कर रहे हैं अमल पे या अमल पे असल में क्या था या अमल ये अमलू था अमलू था तो मई या अमल जिसने भी कोई जिसने भी अमल किया अब बीच से ये इबारत एक्स्ट्रा है क्या अमल किया मिसकाल खैरन ठीक जिसने भी कोई खैर के बराबर जर्रे के बराबर खैर का काम किया या राहू तो उसकी जजा ये है जवाब ये है या राहू वो उसको देख लेगा तो सर हाँ पे तो वो जमा आ रहा है वेरी गुड असल है ये यरा सही या अमल यरा हु तो जमीर है वो अलग से है जमीर जमायर जो है आपको पता है वो क्या होते हैं अब नहीं होते उनपे कोई असर नहीं होता ठीक है अच्छा, तो असल जो इसम, इसम था ना इसम कह रहा हूँ यरा रा यरा या रे या अच्छा, तो ये इस तरह से था या भी हम अलिफ बन गई थी यानी हम अलिफ बन गई थी यरा था ये ठीक है ठीक है सर तो वो जो या आखिर में या अलिफ थी वो गिर गई और ये यरा हो गया यरा और यरा से फिर हु हो गया कि यरा हु। अगर जज़म तो नहीं होता ना अगर जजम नहीं होता तो ये होता यरा हु। सही है समझ आ गयािफ आएगा या फिर मतलब या गिरेगा असल में असल में तो याद था लेकिन वो कायदा लग के या को अलिफ कर दिया अच्छा।, अच्छा तो या बेर... है ना? जी माध्यम क्या है जो खड़ा सब जबर होता है सर अलिफ मकसूरा कहते हैं जिसको नौ? सर वो नाकिस के है। जी तो या होती है वो अपने पहले अगर उससे पहले अगर यानी या अगर यानी या इल्लत अगर वो हो मुहर्रिक मुतहर्रिक हो हरकत वाले हो और जब वो साकिन होते तो अपने पीछे वाले के मुताबिक खरीद जबर कर लेते तो ये जो है यही ये ये है। है। हुआ ये, असल में ये था माजी का सीखा और जो आपका था ना ये था आ... मुजारे था यर आयु यर आयु था ठीक है आयायु तो इसमें फिर कायदा लगा और आ, और और कायदे के तहत ये फिर यरा हो गया सही है तो जब यर आयु यरा हो गया तो क्योंकि ये मजूम हो गया इस वजह से आगे जो हलिफ बन गया था यरा में वो गिर गया और उसकी जगह राबर जिसे हम कहते हैं वो आ गया जी लेकिन वो गिर गया ना वो गिर गया की वजह से जी तो ये कह रहे हैं ये तो मुश्किल है बिल्कुल मुश्किल है तो जितना किताब वाले ने बताया वही समझने बहुत है ठीक है यरा असल में यरा था ठीक है तो बस वो यरा से गिर गया मिसाल क्या हो सकती है इसकी यरा सर जैसे जैसे दुआ के लिए भी होता है दा आवा क्या होता है दाल आइन बाव तीनों पे फतह होती है ना दा आवा बाव बाव तो, तो तो बाब अलग है ना वो बाब अलग है सर यरा के बाप से येरा वो बाव जय ही कि का अन्ना का तो वहां भी है ना जैसे के तुम इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो यरा हाँबल का तरा हो तो वहां पे तरा आ गया ना और फिर पे वहां पे यराक भी है फाइन लम कौन तरा फाइन यराक वहाँ पे याराक आ गया देखिए ना आखिर में अलिफ है लेकिन वो मजूम हो गए उस वजह से वो अलिफ गिर गई ठीक है तो यहाँ पे जबर सर ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो गिरा है वो अलिफ है तो जबर इसलिए यहाँ पर जबर शो कर रहा है बिल्कुल कुछ जी, आगे वो हरफ इल्लत था वो गिर गया ठीक है जी जब इसका चैप्टर आएगा फिर पढ़िएगा जब सर्फ पढ़ेंगे हम अल्लाह अकबर पढ़ें जी अब कौन पढ़ेगा यकून शर्तु वल जवाब आप लोग पढ़ेंगे पढ़े

जी जब शर्त और जवाब इम्मा मुजार आईनी या तो दो मुजारे होंगे उसकी मिसाल क्या है इन ताउद नाउद जयद व इम्मा वा इम्मा माजी आईनी जब माजी होंगे तो उसकी एग्जाम्पल है व इन उत्तम उदना व इम्मा माजियन फ मुजार और अगर माजी एक माजी और एक दूसरा मुजारे हो

अच्छा जी अच्छा अब आप लोग के लिए एक असाइनमेंट है और सबके लिए है ऑनलाइन वालों के लिए अलग है ऑन साइट वालों के लिए अलग है मतलब एक ही है करना अलग अलग है ऑन साइट वाले ये करें बल्कि ऑनलाइन ऑन साइट दोनों ये करें कि इस किताब में अब तक जो वो गुजरी है ना नहवी कायदे गुजरें वो एक जगह जमा कर लें उसको लिख लें टाइप कर लें अच्छे से सजा लें कलर्स कर लें उसमें टाइपिंग के बाद और फिर सबमिट करें तो इससे होगा ये कि इससे आप लोग का भी फायदा है कि जब पूरी किताब हो जाएगी तो जो नहवी कायदे होंगे वो एक ही जगह जमा हो जाएंगे क्योंकि सबमिट करेंगे सबमिट मुझे करनी है डायरेक्ट नंबर बताएं सर अपना जी जी आ, आप लोग पहले बना लें और आ, क्या कहते हैं सब मिलके बना लें ठीक है कोई आप लोग का ग्रुप है जो आप लोग ने बनाए हुए सर टेलीग्राम पे ऑनलाइन वालों की खातन का ग्रुप है तो बस वहाँ तक आप वहाँ पे आप लोग एक मैनेज कर लें कोई किसी टॉपिक को टाइप कर लें कोई किसी टॉपिक को कोई किसी को कोई किसी को और फिर कर लें आप लोग भी ऐसे कर लें ताकि सब पे लोड ना आए काफी सारा है ना उस, तो उसको फिर जो टाइप करें तो कंपाइल कर लें उसे ठीक है तो जिसका अच्छा होगा वो हम ले लेंगे

और अगर कोई पिछली दो किताबों भी करना चाहता तो हाँ सॉरी बहुत वो अभी गुजरा था ना कि पमन का ना यस्तफित फल या फाल पमन ला या फाल फल ही सभी मालूम है उस पर मलामत नहीं होगी कर ले तो अच्छी बात है जी आगे आ रहे आरफ तफिदर से साबिक पढ़े कब तक देना है दे दे कल दे 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 एक हफ्ते में दे दे दो हफ्ते में दे दे कब तक दे सकते हैं बताएं सर एटलीस्ट टू वीक्स वी नीड इट और भी तो सारे सबक और क्लासेस होती है ना सर तो टू वीक्स तो चाहिए चलें टू वीक्स ले लें आज क्या तारीख है ट्वेंटी या टू वीक्स कब होंगे चौदह अगस्त से पहले चौदह अगस्त से पहले पहले ठीक है सर

आप जानते हैं अच्छा आप जानते हैं कि जो जवाबे शर्त है वो फा के साथ मिलावा होता है है ना अय कुना जमला तन इस्मीया जब वो होता है जमला इस्मीया अय कुना फعلان तलबी जब फले तलब होता है वो मिन अनवाए तलबी और जो तलब की अनवा है एग्जाम है वो है الامر والنهي والاستفهام नذكر الان بقيه المواضیعی हम अब हम जिक्र करेंगे जो बाकी उसकी मवाजी जी क्या कहना चाह रहे हैं है? अच्छा। जवाब शर्त के साथ में फा दाखिल होता है जब जुमला इसमिया हो या तलब हो और तलब में तीन आते हैं अमर नहीं और इस्तफाम अब इसके आगे आगे का जिक्र कर रहा करें नफ्ण, नफ्ण, नफ्ण। मजीद कहां, कहां पे फा आएगा जिक्र तो कर रहे हैं कहाना जब फे जामद हो जैसे के, मन जिसने धोखा दिया हमें वो हमें से नहीं है जी बिल्कुल सर कैसे जामे आप बताएंगे फेले मुदाफ में नहीं आता गश्या गश्या गो तो मतलब इसी तो वो है ना गर्दान तो फिर ये वापस जाने के सर्फ में मतलब फिर नहीं जाते बस सर मैं बताओ जी बताइए वश्य ना फैले जामिद नहीं है लैस है क्योंकि लैस की पूरी गर्दान नहीं आती वश्य की पूरी गर्दान आती है तो इसलिए ये फैले जामिद नहीं होगा लैस होगा ऐसे ही है, ऐसे ही शाबाश आगे चलें

जब मान अफिया हो जवाबी शर्त में माहमा तकुन ज़रूफू फ़मा अकज़िबू तो जो फ़मा है इसमें जो मार है है ना जी जो जवाबी शर्त है वो मान अफिया से जुड़ा हो माहमा तकुन अज़रूफू फ़मा अकज़िबू मारा था क्यों तो कुछ ठीक है

तो वो हरगिज नहीं पहनेगा उसे आखिरत में। आ यक्तरिन, आ भी सीनी इन्त, इन्त फसा, अगर तुम सफ़र करोगे, तो अनकरीब मैं सफर करूँगा अख्तरीना भी जब सऊफा हो नहवा व इन खिफ्तुम आइलतन फसौफा युगनीकुम अल्लाहु मिन फज़लिहि इन इन इंशा तो जब सऊफा हो यानी के हां ये इन लिखा हुआ है ना यहां पे इन ना लिखा है ना इंशा आप लोग के पास भी इन है हमारे पास इन लिखा हुआ है ये वही होगा ये प्रिंटिंग एरर होगा जी इन खिफ्तुम

नफसन बगैरी नफसन औ फसाद फिलर्दी फका अन्नमा ये है ना सर यहाँ पे फका अन्नमा जी फिर कतल नास तो ये कह रहे हैं शुरुआत होती है क्या माना मैंने कही है क्या समझ आ रहे हैं तो यानी जवाबे शर्त की शुरुआत अगर कारनामा से हो रही हो तो जवाबे शर्त पर फा आती है जैसे यहाँ पर आ गई है का अन्नमा फा आ गया ना सर यहाँ पे जब सदर जुमला का हो फा हो जाएगा जिसे शर्त पे पे आ गया ना ये कह रहे हैं है कह रही है कि कुछ समझ मतलब दरमियान में अगर आए तो जुमला शुरू पे का जुमला शुरू, शुरू में शुरू में ही आया ना जो आपकी जवाब है जवाबी शर्त है उसकी शुरू में आया ना अनह نفسن نفسن। मन क़ नफसन बफ असल इबारत है जिसने भी एक नफ्स को कत्ल किया शर्त मन से हुई क़िला नफसन ये शर्त है जवाब ये है सा का गत... का आ सही तो से जवाब शर्त का आगाज हो रहा है वो सदरे जुमला बन रहा है इसलिए अन्ना माँ से पहले फा लगाया जाएगा अच्छा जी जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा उनको मैं बता दूं अगर सिर्फ यही समझ नहीं आया तो ये बहुत आसान सी बात है एक होता है शर्त और एक होती है उसकी जजा या जवाब जैसे इन तश्तरी अश्तरी अगर तुम खरीदोगे तो मैं भी खरीद लूंगा शर्त यह है कि तुम खरीदो जवाब ये है जजा ये कि मैं खरीदूंगा इन तजलिस अजलिस तुम बैठोगे मैं भी बैठूंगा सही इन तंजा अंजा तुम कामयाब हो गए मैं भी हो जाऊंगा ये क्या है शर्त और जवाब ये ये बता रहे हैं कि जो जवाब शर्त है जवाब शर्त की नौ जगहों पर जवाब शर्त का आगाज फासे से होगा वो कब कब होगा इन नौ जगहों पर जब ये जवाब शर्त नौ तरीके से आएगा तो फिर उसका आगाज फासे होगा दो जगह हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली थी वो क्या जुमलतन, जुमलाता और दूसरा अकून फ़ेलन तोलबियन बाकी सात इन्होंने यहाँ जिक्र कर दी जो सारी हमने पढ़ी है समझ आ गई बात तो जामिद के अंदर सिर्फ कैसे ही होगा अभी जामिद में बता रहे हैं तो जामिद का ये तो उसमें सिर्फ लैस ही होगा ये दूसरे भी huruf आ सकते हैं जामिद के अंदर जो यहाँ पर बता रहे हैं यहाँ पता है था ना अयकुना फैलन जामिदन नखबन मन वशना फलेसा मिनना जी जी तो अगर जामिद होगा आपका जवाब शर्त तो फिर उसका भी आगाज अफा से होगा तो फिर लैसा के भी और जी जी लैसा के अलावा भी जो जामे दोगे उनका इससे आगाज होगा दोंगे। जी, जी सर यहाँ पे असहा लिखा हुआ है के असाह लिखा हुआ जी सर लैसा के अलावा जी चले आखरी लाइना पढ़े लाजम जवाब शर्ती तरना बिलफाई नहीं जजम करता जवाब शर्त जब वो फा के साथ हो जब फा के साथ हो वकून अल एराब फीन इजन बिल और होता है एराब जहाँ कहीं भी हो वो जुमले में फैलो इन नहा की महल जजमिन तो कहा जाता है कि वो आ, मतलब महल जजम है जजम के जजम की, की जगह पर है क्या समझ आया जवाबी आप शर्त जब फा लग जाता है तो वो जजम नहीं होता नहीं पूरा जुमला ही इसके अंदर मजूम हो जाएगा ये जो ये ये कहना चाह रहे हैं ना जी आखिर का जजम नजर नहीं आएगा हाँ लेकिन महलन जजम होगा इसके अंदर पूरा आखिर में ना क्या समझाना चाह रहे हैं फा के साथ होगा तो जजम नहीं होगा फिर क्या होगा कह रहा नहीं जज्म आती जवाबी शर्त पर जब वो मिला हुआ हो फा के साथ और वो ऐराब जो है वो उस वक्त पूरा जुमला ही कहलाता है उसका ऐराब जो होता है आखिर का मजूम जो ऐराब होता है वो पूरा जुमला ही कंसिडर होता है जो आखिर में जो नहीं हो जाएगा शेख उसका जो असद ऐराब होता है जुमले में वही ऐराब जाहिर होता है और जजम नहीं दिया जाता उसको जजम नहीं दिया जाएगा वो मन शर्तियां या जो अदाते शर्त हैं उसकी वजह से जवाबी शर्त मजबूम नहीं होगा बल्कि जुमले में जो उसका इरादा बन रहा होगा उसके हिसाब से इरादा होगा और फिर उस जुमले को ये कहा जाएगा या फिर ये... उस लफ्ज को कहा जाएगा ये वाला माहले जसले ठीक है जी सुबह नकल अल्लाह मोमिन बिहाम्दी का शह جزاك الله خير سلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد آيات نمبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت سمود المرسلين अच्छा ये जो है वो कोई इतनी तफसील या तशरी तलब आयात नहीं है ठीक है कि इसमें बहुत ज्यादा हम तशरी में जाए तो लिहाजा इन आयात को हम एक काम करते हैं ग्रामर के जरिए हल करने की कोशिश करते हैं अगर जो तफसर तफस तो कहीं भी की जा सकती है लेकिन कोई ऐसी नहीं कि मैं आपको बताऊं अलग से आप ये कुतु पर में पढ़ सकते हैं कि समूद का क्या मामला था क्या वो था ठीक है जी तो चले जी आपसे शुरू करते हैं जी कजबत ये फेल कौन सा है सीगा कौन सा है और समूद क्या है, है यहाँ पे नाहव में क्या वाकई हो रहे हैं, और ये सीगे कौन कौन से है, फेल कौन सा है और सीगा कौन सा हैदनज फेल माजी, फेल माजी गायब जी समू इसका फाइल है समूदो इसका फाइल है समूदू ये है। क्यों है? क्यों नहीं गैर गैर है, है। की क्या इसबाब है, इस के वद... है। दो, दो असबाब पाए जाने चाहिए तो ना एक तो गैर मुंशरफ है उसके दो इसबाब होंगे किसी भी चीज अजमी है हाँ अजमा है और अजमी नाम है आलम है जी

कलेक्टिवली पूरी कौम का नाम है ना कौम का नाम आ, तो या मौनस होती है जी असल में ये मानवी लिहाज से मोनस है मानवी लिहाज से कैसे समूद है, अलजमा जमा जो है वो आखिर में तब मरबूता आता है ना सही तो मानवी तौर पर समूद समूद जो है वो मानवी तौर पर मोनस है लफ्जी तौर पर है या नहीं है लेकिन मानवी तौर पर तो है क्योंकि जमात के माना में यानी जम, जमात समूद ने जुटलाया अल मुरसलीन जी ये क्या है ये मफूल बिही है ये नहव में जो है वो मफूल बिही आ रहा है और सीगा क्या है ये ये सीगा है जमा मुजक्कर सालिम।, सालिम है चले जी नस्बी हालत में या के साथ हाँ अगले याद चले जी पीछे खवातीन में से कोई बताएं तर्जुमा भी करें और और यार आप भी बताएं सीगा भी बताएं जब कहा उनको उनके भाई सोलेह ने क्या नहीं तुम डरते यहाँ पे इज जो है वो इज क्या इस मौसूल है जर्फ जमान जर्फ जमान जर्फ जमान है और कौला कौला थे... पहले ये बताएं कि ये क्या है सी, सीगा क्या है फेल है फेल है हाँ फेल फेल कौन फेल सा माजी है? फेल माजी मारूफ है और मुजक्कर वाहिद मुजक्कर वाहिद मुजक्कर हाँ नहीं गायब गायब ठीक है आगे चलें लहुम इसमें हाफ़ तक साम पड़ा आप लोगों ने जी क्या है हाफ़ तक साम में? ये वो है आधा ये वो है

हाँ और ये जो है में से जी जी हम मुदाफ़ मुदाफ़ अभी मुदाफ़ मुदाफ़ मिल कर ये क्या बन रहा है, रहा रहा है? रहा? रहा? है किसका ठीक है और, और क्या बन रहा है एक तो ये फाइल बन रहा है और क्या बन रहा है देखें कुछ सोलह का कुछ बन रहा है मुब्दल मिनहू बन रहा है अखुह मुबल मिनहू है ये बदल, बदल है, है बदल है उनसे आंसर जो है वो इस्तफाम का है ला जो है अला हरफ तंबी है अच्छा तत्तकून ये क्या है ये बताएं ये फेल है फेल जमा का सीगा है और मुजारे फेल मुजारे जमा मुसक्कर जमा मुसक्कर हाँ। हाजिर हाँ मुखातब जी और बस ठीक है हो गया तत्तकून इस कॉल अलहुम अखुहुम सालेहुन अलातत्तकून जी आगे इन्नी शेख इन्ना पहले आ, पहले तर्जमा करें इन्नी बेशक मैं लकुम तुम सबके लिए रसूलन रसूल हूँ अमीन अमानतदार ठीक है तो इन्नी में इन्ना जो है वो हर्फ मुशब्बा बिल और उसमें या जमीर आ रही है बिल फेल क्यों कहते हैं उसको फेल से रखते हैं लफ्जी और लफ्जी और मानवी तौर पर फेल के मुशाबे है ना इन्ना जो है वो जैसे हब्बा हज्जा इसके इस जैसा लगता है इन्ना ठीक है इन फेल जैसा लगता है तो ये लफ्जी मुशाबियत है और मानवी कैसे कि वो भी जैसे कि फेल मुतादी दो दो इसम को अपने बाद अमल देता है फाइल को और मफूल को इसी तरह इन्ना भी अपने बाद दो इसम को अमल देता है जैसे कि इन्ना की इसम, इसम और खबर को ठीक है जी तो ये इन्ना जो है वो हरफ मुशब्बा बिल फेल है हाँ ये या क्या है ठीक उसका आ, इसम इन्ना का इसम ठीक है इन्नी लकुम तुम्हारे लिए आ, जार मजरूर हाँ जार आ, मजरूर है और रसूल नहीं किसका फाइल नहीं फाइल नहीं खबर है इन्ना की इन्ना की है। इन्ना की खबर 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 है है होती जी ठीक है अमीनन और उसकी है। ठीक है तो ये मौसम सिफत मिल के जो है वो इन्ना की खबर बन रहा है इन्ना का तो मनसूब होता है तो ये या, होना चाहिए था नी क्यूँ है क्यूँकी वो मबनी है मबनी है ठीक है

अल्लाह अल्लाह जो है है वो मफूल बन रहा और जो है वो ये भी अच्छा, वाओ, इसका इस पे इत्तकू, इत्तकू पर जा जा रहा रहा है है पर और अति भी फेल है और फेल है ठीक है फेल पूरा अति वो फेले अमर है और सीगा जो है वो जमा, मुझकर, जमा मुझकर है जी और ये नु ने है और आगे जो का था, वो मफूल भी था जोराज जो पर दलालत कर रहा है। जी आगे आती नहीं। क्या भी हैं। बस एक दो और करते हैं फिर फिर जो जो है वो आ, फिर हम वो पे आ जाएंगे। जी ऑनलाइन भी करना चाहे वो करें फिर... पर मैं बताऊं जी जी बताएकुम और यहाँ पे माँ जो है वो नाफिया है नहीं के मायनों में असअरुकुम यहाँ पर मुखातिब का सीगा है कि मैं सवाल करता और कुम जो है वो जमीर लगी है इसके साथ असअलु पहले ये हल करते असअलु असअलु ये मुतकल्लिम का सीगा है कि मैं सवाल करता फेल कौन सा पहले ये बताए फेल माजी मुजारे है अमर है ये फेल जो है मुजारे है सर इस मुजारे है सअलु असअलु ठीक है असअलु मुतकल्लिम

मंसूब है और ये मफूल सानी के महल में है यानी मैं तुम से अजर का सवाल नहीं करता सवाल नहीं करता मैं तुम से ये मफूल अवल है अजर का ये मफूले सानी है लेकिन मिन की वजह से ये लफजन मजरूर है महलन मंसूब है फिर इन फिर नहीं के में यहाँ पर इन अजरिया हाँ। इन अजरिया मेरा अजर नहीं के मानूम यहाँ पर ना नहीं। इन नहीं के मानों में फिर अजरिया फिर ये भी दो वो मुतकलम का सेगा है अजरिया तो ये, ये क्या है ये ये एक ये या है मुरकब है ये मुरकब है सर ये या अलग है मुरकब है तो मुरकब है अजरिया मेरा अजर यानी कि ये तौसीम है मुजाफ मुजाफ है ना मुजाफ 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 है ठीक है फिर इल्ला जो है वो मगर के मानों में है यहाँ पर मगर अला जी अदात इस्तस्ना है जी इस्तस्ना और इस तस्ना के बाद से जो है वो उसमें नसब होता है इस इस तस्ना के बाद तो अल्लाह जो है हर पे जर है यहाँ पर और रब्बी जो है रब्बी जो है ये भी जो है वो मुजाफ है हाँ। जी फिर अल्लाह की वजह से रब्बी हो गया रब्बी मुजाफ है फिर रब्बिल आलमीना फिर ये पूरा मुजाफ मुजाफिले है और या नून फता जो है वो मजरूर होगा मुजाफिले होने की वजह से नून मजरूर होगा

फ़ीमा हा होना जो यहाँ कुछ है उन चीज़ों में आमिन अमन की हालत में यानी बेखौफ छोड़ दिए जाओगे तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया जाएगा तुम जो अभी जिस जिंदगी जो गुज़ार रहे हो आराम से अयाशी में क्या तुम ये समझते हो कि तुम हमेशा यहीं पर रहोगे बेखौफ होगे ज़िंदगी गुजार रहे हो इंसान को बेखौफ होकर ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए बल्कि खौफ के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए खौफ क्या होना चाहिए आखिरत का खौफ होना चाहिए पी बागो, बागा, बागात में और चश्मों में तुम पे छोड़ दिए जाओगे वज्र नदीम और खेतों और खजूरों में तलओह जिनके खोशे हैं हदीम सेंटिव नाजुक वतन हैतुना मिनल जिबाली फारहीन वतन हितून और तुम तराशते ज़िबाली पहाड़ों से घर फ़ारहीन की हालत में इस हाल में तुम इनका कौम समूद का सा ये था कि वो पहाड़ों के दरमियान अपने घरों को तराशते थे और कौम आद का हमने कल सा पढ़ा था वो क्या था बिकुल बतावुनो ने بكل ریع और पहाड़ किले बनाते थे मतलब पहाड़ों के हर बनाते थे और उस पर अपनी यादगारें और निशानियां बनाते थे, थे और इनकी जो टेक्नोलॉजी थी ये थी कि पहाड़ों के अंदर घरों को तराशते थे तक् वल्लाहु यतीउन लिहाजा अल्लाह तआला से डरो और मेरी अतात करो चल नमाज के बाद इंशाल्लाह الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واتعون ولا تطيعوا أور أور أمر المسرفين أمر المسرفين हद से बढ़ने वाले के आ, के अमूर को या उनके अहकाम को उनकी अता ना करना ये कौन थे ये असल में ये इनके सरदार और इनके बड़े लोग थे माशरे के जो उनको गलत काम में लगाते थे अलुस और दीवाल ये मुशरफिन यानी हद से गुजर जाने वाले कौन थे الذين يسجدون في الارض ولو جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے ولا يصلحون اور اصلاح نہیں کرتے تھے یہ اس طرح کی تفسیر کو تفسیر القران بالقران کہتے ہیں ولا تطيعوا امر المسرفين المسرفين کون الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين انہوں نے کہا کہ इसके सिवा और कुछ नहीं इन नमा ये सीधा हसर है सीगा हसर क्या होता है सर माँगे माँगे को करने के लिए किसी मायने को खास करने के लिए और मायने को मुक्त करने के लिए जो कि में इसका मतलब पैदा करता है कि जैसे सिर्फ यही है इसके अलावा हाँ। जो जुमले में जो माना पाया जा रहा है उसी को खास कर दिया जाए और इसके अलावा की नफी कर दी जाए हसर का माना है, बंद कर देना यानी जुमले के जो माना है उसको बंद कर दिया गया इन नमा बरु मिस इन नमा बुक इसमें क्या पता चल रहा है कि हम इन नमा नहीं हूँ इसके अलावा बस मैं यही हूँ कौन हूं मैं बशर तो बशरियत को इस माने में बंद कर दिया यानी बशर के अलावा मैं और कोई कुछ नहीं हूँ बाज बरेलवी हजरात ने इसकी तावील की इन्ना माँ इन्ना माँ कि इन्ना अलग है माँ अलग है यानी अब जमला क्या होगा बेशक मैं नहीं हूँ माँ नाफिया अल्लाह अकबर सुबह कुरान के साथ मजाक किया हाँ ग्रामर तो पढ़ते हैं लेकिन कुछ बहुत ज्यादा ही पढ़ ली इन्होंने कि इन्ना और माँ को तोड़ के बशर की नफी कर दी नहीं मानते ना वो कहते हैं नबी नूरानी मखलूक थे हाँ तर... हालांकि इस तरह रस्मी तौर पर आ भी जाता है अरब अरब लोग अरबी लोगत में आ जाता है रस्मन मानन ऐसा नहीं होता बहरहाल इन्होंने करना था जो किया और ये इनकी पहली तारीफ नहीं है बहुत सी तारीफ ये कर गुजरे हैं आप क्या कह रहे थे सॉरी मैं आपकी बात हाँ का माना थोड़ी दे रहे हैं ये इन हाँ? हाँ नहीं का तरह बशर।, मैं बशर नहीं हूं इन्होंने ये किया ठीक है तो मैं ये बता रहा हूँ कि इन ना जो है वो कले हसर है ठीक जैसे मिम्मा है ना अम्मा है अम्मा किस से बनाए अन और माँ से मिम्मा मिन और माँ से तो इसी तरह ये कहते हैं इन्ना मा इ इन्न और मा से ऐसा नहीं होता अच्छा जी आगे चलते हैं मा माता मा अंत अब यहां पे क्या तावील होगी ये तो कुफार का कॉल है जी कुफार का कॉल हजत थोड़ी होता है ये ऐसा कह सकते हैं मा अंता नहीं है आप इला बशर मिसलुना मगर हमारी तरह के एक इंसान बशर फिर भी आए थे बस ले आए कोई निशानी अगर आप सच्चों में से हैं कैसम का है ता, ता ताज 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 जी, ताज तो निशानी तलब की इन्होंने इन्होंने निशानी तलब की तो इन्होंने जो है वो निशानी दी कौलहा ये ऐसा कभी मैंने तो हर नहीं सुना हाँ? अच्छा जी तो हाज ही ये कहा कि ये है ऊंटनी लहा शिर इसके लिए है एक पानी पीने की बारी वाल शिरबु शिर्बु यू में मालूम और तुम्हारे लिए है पानी की बारी एक मुकर्रर दिन की अच्छा एक तो ये है और दूसरी जगह जो है वो ये भी आया कि उसको छोड़ दो वो जहाँ भी खाए पिए उस पर कोई कैद नहीं है ये ऊंटनी है असल में ये ऊंटनी कैसे आई किस तरह आई इस पे कोई वाजे कोई दलील नहीं है अलबत् कुछ एक आध रिवायत जिक्र की जाती है कि उसमें जो है अल्बतो तो उसमें मुहदसिन का इसमें सनद में इख्तलाफ है कि ये पहाड़ के पहाड़ के बीच में से जो है ये ऊँटनी नमूदार हुई थी ठीक है चटान में से सॉरी चटान में से जो है ये नमूदार हुई थी ऊँटनी बीच में से बहरहाल जो भी हो इसपे ये कहा जा सकता है कि ये ऊटनी का आना या जाहिर होना ये कोई आम आदि नॉर्मल चीज़ों में से नहीं था ये एक निशानी थी तो जो इन्होंने तलब की थी और अल्लाह ताला का ये तरीका है कि जब कोई ख़ास निशानी तलब की जाए और उनको वो दे दी जाए तो फिर अगर वो ईमान ना लाए तो फिर उनको अजाब से हलाक कर दिया जाता है उस्ताद ये एक जगह तनवीन के साथ आया शिरबुन तो वो तो आपने बता दिया लहा शिरबुन इनको पीने का एक मुकाम है ये जो शिरबु योमी नजीम है ये क्या मुजाफ मुजाफ सर मुजाफ जी तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये भी आ, अगर हम अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगे जैसे कि एक हदीस में भी आता है बनु इसराइल के तीन लोगों में के बारे में आता है कि उनमें से एक के पास जो है वो बीमारी थी एक के पास माल नहीं था तो फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया उनको वो वो दिया यानी उन्होंने ये कहा था अगर मुझे फला चीज़ मिल जाए तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा हो जाऊंगा तो फिर जो है वो हदीस आपके जहन में है हाँ तो मकसद मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर अल्लाह ताला से कोई चीज मांगी जाए और फिर अल्लाह ताला वो दे दे और फिर इंसान नाशुकरी पर उतराए तो ये अल्लाह ताला का बड़ा गजब का बायस बनता है शेख वो एक कोड़ी था एक था। जी हाँ।, जी हाँ जी हाँ ऐसे ही है अल्लाह ताला से औलाद मांगी जाए फिर उस औलाद कोई अल्लाह की नाफरमानी के काम में लगाया जाए ये एक गज़ब का शिकार होता है इंसान और अल्लाह ताला की नाराज़गी को दावत देता है कि जब इंसान कोई खास चीज़ अल्लाह से मांगे और अल्लाह ताला उसको दे दे तो वो उसी चीज़ को अल्लाह की नाफ़रमानी के लिए इस्तेमाल करे तो या उसी के जरिए अल्लाह तला के ना के लिए इस्तेमाल करे तो ये अल्लाह तला का कानून है इसी अल्लाह ताली ने मशर्किन मक् को उनकी मुँह मांगी निशानी कोई भी नहीं दी कोई भी उनको मुँह मांगी निशानी नहीं दी क्योंकि ये उनके लिए बेहतर था क्योंकि अल्लाह को पता था ये ईमान नहीं लाएंगे और भी ईमान नहीं लाएंगे तो ये दबाव बर्बाद हो जाएंगे जैसे कि ईसा सलाम से माहदा का सवाल किया था सुरदा में ही है तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है मैं उनको दूंगा लेकिन अगर ये ईमान नहीं लाया तो फिर उनको ऐसा अजाब दूंगा जैसे मैंने किसी को अजाब नहीं दिया होगा को ले नाकतुल्ला तो ये जो है वो यानी अब ये ऊंटनी ये अल्लाह ताला की तरफ से निशानी है इसको नाकतुल्ला कहा गया है ना नातल्लाहा इसको अल्लाह की ऊंटनी कहा गया हालांकि सब अल्लाह ही की है सब अल्लाह ही की मिल्कियत है तो क्या वजह है कि बाज चीज़ों को अल्लाह की तरफ नस्बत के लिए खास किया जाता है जैसे बेतुल्ला बेतुल्ला तमाम मसाजिद बेतुल्ला है लेकिन सिर्फ काबे को बेतुल्ला कहा गया इसी तरह तमाम रूह अल्लाह की तरफ की अल्लाह की पैदा करता है तो फिर रूह सिर्फ ईसा को क्यों कहा गया तो क्या वजह है कि अल्लाह ताला कुछ चीजों की नस्बत इजाफत के अतबार से अपनी तरफ खास करता है अच्छा हाँ शर्फ का इजहार करने के लिए शर्फ की वजह से मुनाकुल्ला भी इसी बाब से है वाली और इसे बुराई के साथ ना छूना खुद फयाخذककुम पस वो तुम्हें पकड़ लेगा क्या पकड़ लेगा अजाब यौमिन अजीम बड़े दिन का अजाब ये नहीं का यानी अजीम देखें सिफत किसकी है यौम की अजाब की है यौम अजाब किसकी है यौम अजीम सर कयामत के दिन को कहे ना बड़ा दिन सिफत किसकी है यौम की है ना देखें अजीमिन है ना मजरूर है सिफत मौसूफ जो है वो मौसू में मुताबिक होते हैं एक दूसरे के तो तो अजाब की सिफत नहीं हो सकती तो ये नहीं कहा कि बड़ा अजाब है उस दिन बल्कि क्या कहा बड़े, बड़े दिन दिन का अजाब। तो जब कोई चीज बहुत बड़ी होती है तो यानी ये बताना मकसद ये है कि अजाब इतना बड़ा है कि गोया के दिन ही बड़ा हो गया ठीक है ये अजाब इतना दर्दनाक है कि दिन ही गोया के दर्दनाक हो गया ये एक तरीके से मुबालगा है कि अजाब में अजाब की अजमत और हलनाकी बताना ये मकसद था है जैसे कि है ना ईशतर रौदिया ईशतर रौदिया रौदिया जो है ईशा यानी जिंदगी की सिफत है तो खुश खुश होने वाली जिंदगी अब जिंदगी की सिफत खुश होने वाली कैसे हो सकता है ईशतर रौदिया तो मुराद ये होता है कि जो रहने वाला है वो बहुत ज्यादा खुश होगा जिंदगी खुश नहीं होगी ठीक है लेकिन मुबालगा जब करना होता है तो महल की तरफ उसकी नस्बत की जाती है यानी रहने वाला इतना खुश होगा इतना खुश होगा कि गोया की उसकी जिंदगी ही खुश है जैसे कि कहा जाता है कि जैद उन आदिल ये नहीं कहा जाता जैद उन आदिल बल्कि जैद उन अदिलोन कहा जाता है मज़र के जरिए उसकी सिफत की जाती है तो ये मुबालगा मुराद होता है कि जैद इतना आदिल है इतना आदिल है कि गोया कि वो खुद ही अदल का ममबा है जैद उनद तर्जुमा ये किया जाता है कि जैद अदल का मम्बा है सरापा अदल है बहरहाल मकसद बताने यह है कि जब इस तरह की सिफात आप देखें तो इसमें मुबालगा मकसूद होता है ये आपको अरबी जबान के अलावा ये बलागत और ये फसाहत कहीं भी नहीं मिलेगी इसकी सिर्फ आप, आप जब द्रूसलबलागा आप पढ़ेंगे और यानी अरबी बलागत और फिर आप उसको कुरान को इस नज़र से देखेंगे तो एक अलग ही आपको जाविया नज़र आएगा और एक अलग ही बलागत आपके सामने खुलेगी और फिर ज़ारी बात है तफसर बलागत के अतबार से बहुत तफासिर लिखी गई हैं इसमें इमाम अराजी की मफाती हल्गैब है इसी तरह जो है वो इमाम बेजावी की है अगरचे इमाम अराजी इमाम बेजावी मतकलमिन और आशा अकीदे के हैं जिसमें इनकी तफासिर में कुछ अकीदे के अतबार से गलतियाँ हैं बहर मकसद बताना ये है कि चूंकि मतजजला जो है वो बड़े बलागत में माहिर थे और माहिर मतलब ये है कि माहिर तो सुन्ना भी रहे हैं लेकिन ओलूम को बाकायदा मुरतब जो है वो जो जिन्होंने किया है और उसको मंजर आम पिलाए हैं वो ये मतजजला वगैरह हैं वरना सहाबा वगैरह और जो आहलोसुन्ना जो आइम् हैं बलागत वो भी जानते हैं ऐसा नहीं वो नहीं जानते हैं। लेकिन उन्होंने इस इल्म को बकायदा मुरतब नहीं किया मिसाल के कि तौर तो पर नाहफ सरफ है साहबा जानते थे ना लेकिन साहबा ने कोई मुस्किल कोई किताब तो नहीं पढ़ी इसीलिए उस उसक है उसफिक को साहबा जानते थे उनकी अरबी लगत में पहले से इन थी उसके अंदर अप होती है ये सारी चीजें तो ये हमें पढ़ने की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हम जो है वो आजमी हैं फअक़रुहा फ़अस्बहू नादमीन बस उन्होंने इसकी टांगे काट दी फ़अस्बहू नादमीन बस वो अह हो गए अस्बहू ये हो गए नादमीन नदामत करने वाले अक़रुहा देखिए सी का कौन सा है सर मुजक्कर वाइद गए जमा कर जमा मुजक्कर अच्छा जमा पूरे वहाहा में क्या है فَأَقَرُوهَا فدمدم عليهم آه. فَأَقَرُوهَا فدمدم عليهم ربكم فسواها ولا يخاف السب عليك والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض مَا طحاها मन मन आ, एक खड़ा हुआ। तो इसका मतलब वहाँ पे हमें ये पता चल रहा है की जो ये जो कूचे काटने वाला है वो कौन है एक ही शख्स है और यहाँ पे जमा है मुझ ये इस जुर्म की जब नस्बत की तो जमा की तरफ की और इनमें सबसे बदतर किस्म का जो बंदा था वो खड़ा हुआ तो ये क्या चीज बता रही है? ये बता रहा है हमें जो जुर्म करने वाला था वो एक ही शख्स था लेकिन चूंकि तमाम कौम इसके साथ थी उसको सपोर्ट कर रही थी मॉरली एंड पॉलिटिकली हर उसको सपोर्ट कर रही थी इसलिए वो जुर्म पर राजी होने वाले भी जुर्म में शामिल होते जी सर यहाँ पर ये यह सपोर्ट कर रहे थे लेकिन सुरह मोमिन में तो अल्लाह ताला ने फरमाया था ना कि खामोश नहीं रहो अगर किसी मोमिन पे बात आ रही हो तो था अब जाहिर सी बात है काटे का तो एक ही ना सब ने थोड़ी एक साथ पकड़ के काटी थी काटे का तो एक ही तो बहरहाल मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि जुर्म का आ, मुबाशरतन अगर आ, सामना किया जाए तो वही मुजरिम है बल्कि अगर मिसाल के तौर तो पर किसी ने कहा कि जाओ फुला बंदे का कत्ल करो तो कातिल वो भी है और जो कत्ल करने वाला वो भी है ठीक है ये मकसद है बताना

कुरान की रसालत रस, को साबित किया गया है और फिर नबी सासन को तसली दी गई है सात अम्बिया के वाकत को जिक्र करके कि आप जो है वो फिक्र ना करें अगर ये ईमान नहीं लाते तो आप देख लें अंजाम किसका है इसको लूत जब कहा उनके भाई लूत ने अला तपून कि क्या तुम डरते नहीं हो अगर अगरचे सलाम उस कौम में से नहीं थे असला सलाम इब्राहिम सलाम के भतीजे थे और वो असलन इराक़ से थे ठीक है लेकिन वो इस कौम की तरफ भेजे गए थे इस कौम की तरफ नहीं थे लेकिन उनकी जो नस्बत की है अलैहिस्सलाम की उनकी अखूत की वो उनमें रहने के अतबार से इन्नी लकुम रसूल अमीन फत अंबिया की दावत अल्लाम एक ही होती है उनकी असल एक ही होती है और वह दावत तोहहीद वो एक ही होती है अलबत् कुछ कौम के तोहहीद के अलावा बड़े बड़े कुछ मसायल होते हैं कहीं हम जिनसप्रस्ती होती है कहीं जो है वो माप तोल में कमी होती है ठीक है तो और कहीं जो है वो बहरहाल अलग अलग कौम के कुछ ना कुछ खाससे होते हैं शिरक सब में पाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि इन कौम इन कॉमों में शिरक नहीं पाया जा रहा बल्कि इन कॉमों में शिरक पाया जा रहा है इसके अलावा जो इनका बड़ा गुना था वो ये था

मर्द ही मिले अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस पूरे आलमीन में मा खलाबुम और तुम छोड़ देते हो मा खल कल जो पैदा किया है तुम्हारे लिए रबुम तुम्हारे रब ने मिन अजवाज गुम तुम्हारे अजवाज में से तुम्हारी बीवियों में से तुम्हारी बीवियों में, में से मिन जो है यहाँ पे तब अगर माने तो फिर माना क्या होगा कि तुम बीवी का वो हिस्सा छोड़ देते हो जो जायज है और उसका करते जो नाजायज है यानी वो जब औरतों के पास भी आते थे तो पीछे से आते थे नाजायज तरीके से आते थे जो कि हराम है यानी दुबर से आते थे तो जब मिन तबीजिया माने तो मतलब ये होगा कि तुम जो तुम्हारे रब ने अजवाज तुम्हारे लिए बनाई है उसमें से कुछ छोड़ देते हो यानी जो जायज तरीका अजवाज का वो छोड़ देते हो और गलत तरीके से आते हो लेकिन अगर इसको जो है वो आ, मिन बयानिया बनाए मिन बयानिया असल में होता है माँ मौसूला के बाद आता है ठीक है जैसे कि जुला क्या है वो आयत अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुजिन कर दी है मिनसाई अल्लाह तुम अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुजिन कर दी है

तुम छोड़ देते हो जो तुम्हारे रब ने तुम्हें तुम्हारे लिए पैदा किया है अजवाज में यानी अजवाज में से यानी यानी अजवाज तुम अपनी बीवियों को छोड़ देते हो और जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पैदा किया है ठीक है खलाकलकुम यानी ये बताता रू ना माँ तुम छोड़ देते हो उसको किसको मिन के जरिए इसका बयान किया यानी अजवाज को अपनी अजवाज को छोड़ देते हो और मर्दों के पास आते हो बल आदून बल्कि तुम जो है वो हद से गुजरने वाले लोग हो सर मिन क्या है? क्या है है होगा आप बताएं मुझे तो बेनिया लग रहा है पे जी कोई और बताए क्या है तो मैंने बताया दोनों मुमकिन है दोनों, दोनों तस्वीरें ले सकते हैं यही बताया है मैंने कि मेन तब इजिया लेंगे तो माना ये होगा और मेन बयानिया लेंगे तो माना ये होगा ठीक है तो दोनों आप ले लें माना दोनों ले सकते हैं जी चले जी टाइम आपका खत्म हो गया है इनशाला फिर अगली क्लास में करेंगे सर यहाँ से क्या मुराद है किसके भाई मुराद है से मुराद क्या है जी ये क्या है से मुराद मैंने आपको बताया कि ये कौम में से नहीं थे भेजे गए थे वो उस कौम में से नहीं थे का ताल्लुक उन कौम से नहीं था उनकी नस्बत तन कौम से नहीं था लेकिन भाई उकूबत की नस्बत लूतम की तरफ इसलिए की गई क्योंकि उनको खैर ख्वाह थे उनकी तरफ भेजे गए थे ठीक है السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل وقتا من لساني ربنا زدنا علما जी हमारा आकदतलवास्थिया का जो है वो दर्श चल रहा है कभी कभी उसमें पहले जो है वो क्या बताया था शुरू में उन्होंने कि ये जो किताब है इसमें क्या है एलफरकिन नाजीअ मंसूर इसका क्या मतलब था जी मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ ताकि हम उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ ले चले चलो शुरू में इन्होंने कहा था एतफिर नाजियत मंसूरा ठीक है फिर नाजिया का अकीदा। फिर नाजिया का क्या मतलब है? जो कामयाब वाले, तो अगर ये कामयाब हैं और इनका ये अकीदा है तो अगर दूसरे लोग जो कि इस अकीदे पे नहीं होंगे तो वो क्या होंगे जी सर नाकाम होंगे क्यों आप उनको नाकाम क्यों कह रहे हैं सर कुरान और सुन्नत के मुताबिक जब अकीदा नहीं होगा अच्छा चलें आप नाकाम कह रहे हैं नाकामी से क्या मुराद है जी यार मतलब इंदौला यार काम ही जी नाकाम होने से क्या मुराद है जी सर यानी नाकाम होने से मुराद ये है कि कोई अगर उनके तो उसकी सजा मिलेगी सर, आखरत में नहीं मिले तो सुन्नत का बहुत सारी चीजों में इनकार करते हैं बहुत सारी में, सुन्नत का और अपने आप को दुरुस्त कहते हैं अच्छा जी एक बात तो ये का जो करिमा है ये किताब कितनी पुरानी है सात सौ साल तो हो गया ना सात सौ साल पहले इन्होंने कहा है कि ये जो आगे मैं एतकाद बयान करने जा रहा हूँ ये फिर नाजिया के हैं ठीक है जी फिर उन्होंने अक़ायद बताए क्या बताया कि अल इमान बिल्ल व व वतुबी व रसुलती वमान बिलकदरी खैरही व शर्री अल्लाह पर ईमान लाना उसके फरिश्तों पर उसकी किताबों पर उसके रसूलों पर बाद उठाए जाने पर मौत के बाद और कदर पर ईमान लाना उसका खैर और उसका शर जो है तो ये इजमाली तौर पे जो है वो अक़ायद का जिक्र कर दिया और फिर क्या किया फिर उन अकायद की तफसील बयान कर रहे हैं ठीक है तो शुरू किससे किया था वो मिनल ईमानी बिल्ला अल्लाह पर ईमान लाने के एतबार से उन्होंने फिर कुछ बयान किया और फिर उसमें क्या बयान किया कि अल्लाह पर ईमान लाना कैसे ईमान लाना अब इन्होंने कोई रबूबियत की बात नहीं की कोई उलूहियत की बात नहीं की बल्कि किसकी बात की ज़्यादा आसमा सफात की बात की तो क्या मतलब ईमान बिल्ला में रब पे ईमान लाना उसके रब होने पर उसके अला होने पर फिर उलोहीत की जो बहस है वो सारी क्या ईमान में शामिल नहीं है फिर नाजिया के एतिकाद में शामिल है तो उन्होंने क्यों जिक्र नहीं किया जी जी

और उन्होंने ताज़ीत करनी शुरू कर दी थी अल्लाह की थे, काजी थे, जो एक शहर पे थे और उन्होंने आके कुछ इमाम से दरखास्त की थी कि आप जो ये लोग इतराजात कर रहे हैं इनका जवाब आप लिख दें तो उन्होंने वो तो लेके किसी साइल के जवाब में जो है वो लिखी गई थी तो जाहिर सी बात है अगर वो जवाब देना चाह रहे हैं तो ये तो हम जैसे छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि जवाब देने के लिए आपको साहिल का हाल पता होना चाहिए कि साहिल को किस चीज की जरूरत है जिस कॉन्टेक्स में उनसे सवाल किया गया जिस एतबार से सवाल किया गया उन्होंने उस एतबार से जो है वो जवाब दिया है कि उस वक्त जैसे अभी इन्होंने भाई नहीं बताया बहुत अच्छी बात है अलहमद कि उस वक्त जो ज्यादा हॉट टॉपिक कह लें या जहाँ पे इश्यूज थोड़े से ज़्यादा थे खासकर साइल जिस कॉन्टेक्स में आया था तो उस पर जो है वो इन्होंने फोकस किया इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ें अकायद में शामिल नहीं है बल्कि ये कि यहाँ पे उन्होंने अपना आपको थोड़ा सा इस एतबार से रिस्ट्रिक्ट किया कि मैं इन टॉपिक्स पे चूँकि जैसे इन्होंने जिक्र किया उसके पीछे जो मुख्तलिफ वजूहत हैं कि वो ग्रीक फ़िलासफी और लॉजिक वगैरह या और भी जो मामला हैं उनकी वजह से जो मुसलमानों में कहीं उसका जो असर आया था और ख़ास कर फिर अल्लाह की जात में उन चीज़ों को अप्लाई करना तो उस एतबार से क्लैरिफिकेशन के अतबार से शेख साहब ने पहले बुनियादी तौर पर क्या रूल बता दिया कि हम अल्लाह के बारे में क्या मानते हैं हम वो मानते हैं जो कि अल्लाह ने या तो खुद बताया है या फिर नबी अक्रम सल्हलम ने बताया है और उसमें हम क्या चीज़ें नहीं करते हम तहरीफ नहीं करते तातील नहीं करते तमसील नहीं करते और तकीफ नहीं करते तहरीफ नहीं करते का मतलब क्या था कि हम उसके ना वर्ड को चेंज करते हैं ना हम उसके माने को चेंज करते हैं ठीक है जो उसका माना साबित होता है जो साबित होते हैं हम उसी को मानते हैं तातील नहीं करते का मतलब क्या था हम उसका इनकार नहीं करते ठीक है हम उसका इनकार नहीं करते कि हम ये नहीं कहते मिसाल के तौर पे एक वर्ड है कुर्सी कुर्सी का क्या मतलब है अब कुर्सी एक वर्ड है बतौर वर्ड और फिर उसका एक मदलूल है जो आ, मुसम्मा जो कहलाता है कि ये वर्ड किस चीज पे अप्लाई हो रहा है ये वर्ड अगर जब बोला जा रहा है तो आपके जहन में क्या आ रहा है ठीक है तो हर जो कलिमा है एक तो उसके अल्फाज हैं और एक उसका मायना है ठीक है अगर आपको बहुत पुरानी वो इसम फेल और हर्फ के अतबार से बहस याद हो कि इसम और फेल क्या करते हैं कि वो अपने माने को खुद वाजे कर पाते हैं अब आप कहते हैं टेबल तो सामने वाले के जहन में टेबल आएगी ठीक है लेकिन अगर आप कहते हैं ला सिर्फ लाम पे फतहा अगर आप कहते हैं या लाम पे आप कसरा कहते हैं ली तो अब इसका क्या मतलब है अब ये लाम मकसूर जो है ये मिल्कियत के लिए भी हो सकता है जैसे लाही कसम के लिए भी हो सकता है लाही ही ये लाम जो है वो नवासब मुजारे में से भी हो सकता है जो लिकई वाला होता है ठीक है मुख्तलिफ तोजियात हो सकती हैं जब तक आप कॉन्टेक्ट नहीं देंगे ये वर्ड जो है अपना माना ख़ुद पूरा वाजे नहीं कर सकेगा लेकिन इसमें क्या करता है कि अपना माना वाजब करता है तो इसमें हरूफ भी होते हैं यानी वर्ड भी है और एक इसका मानना भी है तो ना हम हरूफ़ का इनकार करते हैं अलफाज का इनकार करते हैं और ना उसके मानने का इनकार करते हैं ठीक है तहरीफ में भी क्या शामिल है कि ना अल्फाज को चेंज करते हैं ना उसके माने को चेंज करते हैं और इनकार में भी ना उसके अल्फाज का इनकार करते हैं और ना उसके माने का इनकार करते हैं ओमिन गरी तकीफ इन क्या नहीं करते कैफियत बयान नहीं करते कैफियत का क्या मतलब होता है किस तरह का कैफ यानी क्या उसका हाल है किस तरह की है टेबल है तो टेबल किस तरह की है तो हम अल्लाह की जत में जो है वो तकीफ में नहीं जाते अल्लाह की जात किस तरह की है ठीक है जो मिलता है जो मिला है इन दो सोर्सेस से उसको मनोहान तस्लीम करते हैं और उसकी कैफियत के हवाले से उसकी डेप्थ में नहीं जाते बुनियादी वजह क्या है अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा ले सकम इसलिए शही उसकी तरह की कोई चीज है ही नहीं कि तुम कैफियत के लिए लाजमी तौर पर क्या करना पड़ता है कहीं ना कहीं तस्वीर देनी पड़ती है कहीं ना कहीं बयान करना पड़ता है उस बयान करने में हम किस चीज़ पर रिस्ट्रिक्ट या लिमिटेड है हम अपने एक्सपीरियंस पे लिमिटेड हैं ठीक है हम अपने एक्सपीरियंस पे लिमिटेड हैं और कैफियत बयान करने के लिए आप किसी चीज़ की कैफियत कब बयान करते हैं या आपने उसका मुशाह खुद किया होगा या किसी और ने किया होगा वो आपके आपको बता दे ठीक है इन दोनों सूरतों में ये बातें अल्लाह पे अप्लाई नहीं होती क्योंकि अल्लाह को मखलूक में से मतलब जो इंसान है उनमें से किसी ने देखा नहीं है कि वो बयान कर सके और ना अल्लाह तला ने खुद जो है अपनी कैफियत बयान की है मखलूक की सोच इतनी लिमिटेड है कि वो अल्लाह की जो कैफ है उसको समझ ही नहीं सकता तो अल्लाह तला तुम रिस्ट्रिक्टेड हो अपनी सोच के तुम जो एक चीज एक्सपीरियंस आप देख जो भी आ, क्या कहते हैं वो फैंटेसी वाली चीजें होती है ना उसको क्या कहते हैं जैसे यूनिकॉर्न है यूनिकॉर्न को उर्दू में क्या कहते हैं यूनिकॉर्न को उर्दू में नहीं होता यूनिकॉर्न उर्दू में होता ही नहीं है अच्छा इस... क्या कहते हैं बुराक नहीं बुराक को तो यूनिकॉर्न नहीं कहेंगे यूनिकॉर्न तो एक, तो तो एक तो है, है, उसका कोई उर्दू नाम नहीं है ना चले उर्दू में भी यूनिकॉर्न ही कहते थे ऐसे कैरेक्टर तो हम नहीं कहेंगे बुराक जी हवाई घोड़ा कह लें अब क्या यूनिकॉर्न भी दुनिया मानती है क्योंकि हकीकी मखलूक नहीं है लेकिन उसको इमेजिन करने के लिए भी क्या किया कहीं ना कहीं जो हकीकी मखलूकत हैं जिनको हमने मुशाहिदा किया है जिनको देखा है उसी में कुछ ऊपर नीचे करके आगे पीछे करके एक सिंग डाल दिया कुछ कम कर दिया कुछ आप जो भी क्रिएचर्स देख लें जो ये एलियन टाइप के बनाते हैं उसमें ये चीज होती है कि जो चीज हमने देखी है मुशाह किया है उसी के एतबार से हम मिक्स एंड मैच करके कुछ बनाने की कोशिश करते हैं जन्नत के बारे में अल्लाह तला ने क्या कहा कि इसमें कुछ नियमित कैसी हैं कि जिसको ना किसी आंख ने देखा है ना किसी कान ने सुना है ना किसी के दिल में उसका ख्याल है तो मखलूक में भी ऐसी मखलूक है जिसको हम सोच भी नहीं सकते मखलूक में भी ऐसी मखलूक है अल्लाह ताला की जिसके बारे में हमें गुमान भी नहीं आ सकता हम सोच भी नहीं सकते इमेजिन भी नहीं कर सकते <laughs> कितनी मखलूक है जो हम हमारे सामने हैं लेकिन हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते मिसाल के तौर पर ये एक आम सी बात है कि वो कुत्तों की एक विसल आती है सुना है ना एक सीटी होती है जो कुत्तों के लिए इस्तेमाल होती है आप बजाएंगे कुत्ते को सुन सुनाई देगा इंसान को नहीं सुनाई देगा सुना है नहीं सुना कभी जी सर वो वॉइस की फ्रीक्वेंसी हर एक की अलग अलग है ना मखलूक की सुनने की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो ऐसी सीटियाँ होती हैं जो कि दूसरी मखलूक को सुनाई दे जाती हैं हमें सुनाई नहीं देती ये पहले नहीं पता था अब पता चला है वक्त के साथ साथ भाई ऐसा भी होता है फिर ये जो मुख्तलिफ तरह की वेव्स होती हैं रेडियो माइक्रोवेव एक्सेट्रा वो हम एक तरह की मखलूक की हम देख नहीं सकते लेकिन हैं ठीक है तो मखलूक में भी ऐसी आते हैं जिनका अहाता हमने पूरी तरह किया ही नहीं है इवन जो दुनिया में मौजूद भी हैं हर थोड़ा से बात पता चलता है कोई नई स्पीशी जो है वो डिस्कवर हो रही है वायरस में कोई नया वायरस डिस्कवर हो रहा है कि वो उस स्पीसी को हम जानते ही नहीं थे और अब उसका कुछ पता चला है कितनी मखलूक ऐसी हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं इस एतबार से इन सब के रब को उसको ग्रास्प करना उसको अंडरस्टैंड करना लात उदरिकार जो इन्होंने कहा कि हमारा हमारा जो हमारी अकल उसका अहाता कर ही नहीं सकती तो बुनियादी कायदा जो है वो अल्लाह की जात में क्या है कि अल्लाह की जान में अकल नहीं लड़ाई जा सकती अकली जो हमारे पैमाने हैं लॉजिकल रीजनिंग हो गई जो भी हो गया वो सारी मखलूक में तो अप्लाई हो सकती है खालिद पर अप्लाई नहीं हो सकती तो उसकी कैफियत और उसकी तमसील उसकी मिसाल बयान करना जो है कि वो इस तरह का और इस तरह का उसका हाथ इस तरह की मखलूक जब हम मखलूक में भी देखते हैं कि मखलूक में सारी चीज़ें सेम नहीं होती मिसाल के तौर पर इंसान का हाथ है और हाथी का भी क्या होता है लेकिन उसका भी हाथ होता है चूंटी का भी हाथ होता है ठीक है मखलूक के भी हाथ होते हैं लेकिन दिखने में अलग अलग होते हैं पर्पज़ में भी कुछ अलग अलग होते हैं ठीक है इंसान की नाक है घोड़े की भी नाक होती है गाय की भी नाक होती है लेकिन ये नाकें भी अलग अलग होती हैं तो मखलूक में भी जो है कभी ऐसा होता है कि वर्ड सेम बोला जा रहा होता है लेकिन उससे मुराद कैफियत सेम नहीं होती वर्ड सेम है ख़ासकर अरबी में अगर हम देखते हैं तो वो यद का वर्ड जो है हाथ का वर्ड इंसान के हाथ के लिए भी यद बोला जा रहा है दूसरी मखरूक के लिए भी यद बोला जा रहा है लेकिन दोनों सेम नहीं है लेकिन क्यों हमने इस्तेमाल किया ताकि मैं और आप एक दूसरे की बात को समझ सकें उसकी कैफियत कैसी थी घोड़े का हाथ की कैफियत अलग है इंसान के हाथ की कैफियत अलग है लेकिन वर्ड सेम है क्यों ताकि मैं और आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम समझ सकें ठीक है तो अल्लाह ताला ने भी अपना तहारुफ कराया तो अल्लाह ताला ने अपना तारुफ अगर अल्लाह ऐसे कलमा के साथ कराता ऐसे वर्ड्स के साथ कराता जिसको मैं और आप पहचानते ही ना तो हमें कुछ समझ में ही ना आता जन्नत में भी अगर अल्लाह ताला ऐसी ही मखलूक़ात बताता रहता जो हमने कभी देखी नहीं थी पहचानी नहीं थी समझी नहीं थी हैं ऐसी मखलूक़ जो हमने नहीं देखी लेकिन अल्लाह ताला ने हमें तारुफ किस तरह कराया उन चीज़ों के अतबार से जिसको हम कुछ पहचानते हैं उन चीज़ों के एतबार से जिनको हम कुछ जानते हैं कि जन्नत में क्या होगा अनार होगा लेकिन उस अनार की कैफियत क्या है वो हम इमेजिन नहीं कर सकते वो हम समझ नहीं सकते जन्नत में नहरें होंगी पानी की दूध की लेकिन उसकी कैफियत कैसी होगी हम समझ नहीं सकते जब तक देखेंगे नहीं समझ नहीं आएगा तो अपना तारुफ कराने के लिए भी अल्लाह ताला ने कलिमात वो इस्तेमाल किए जो हम समझ सकें लेकिन इन कलिमात के पीछे उसकी हकीकत क्या है उसकी कैफियत क्या है ये हम नहीं जान सकते लेकिन जस्ट बिकॉज हम कैफियत नहीं जान सकते इसका यह मतलब नहीं है कि हम उस चीज़ का इनकार कर दें अल्लाह तला ने कहा है कि भाई जन्नत में ऐसी मखलूक होगी यानी ऐसी नेमतें होंगी जो तुमने कभी सोची नहीं कभी देखी नहीं कभी तुम्हारे दिल में ख्याल नहीं आता होंगे नहीं नहीं ऐसी कोई ऐसी कोई नेमत नहीं होगी सिर्फ वही नेमतें होंगी जो कि आप और मैं सोच सकते हैं क्यों क्योंकि कुरान की आयत क्या है उसमें तुम्हारे लिए क्या होगा जो तुम कुरान की क्या आयत है कि जन्नत में तुम्हारे लिए क्या होगा जो तुम चाहोगे ठीक है जो तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए होगा ये हाथ में से मुता तो... है कि जन्नत में वो होगा जो तुम चाहोगे अल्लाह ताला एक जगह पे कह रहे हैं कि जन्नत में ऐसी नियमतें जिसको तुम सोच भी नहीं सकते इमेजिन भी नहीं कर सकते तुमने कभी देखा भी नहीं है तो फिर तुम चाहोगे कैसे उसको तो इसका मतलब क्या हम ये कहें नहीं जन्नत में सिर्फ वही नेमतें हैं जो कि हम चाहते हैं और हम वही चाहते हैं जो हमने दुनिया में देखा है नहीं ये हमारा है यहाँ के एतवार से आखरत के एतबार से मामला अलग हैं ठीक है देकिया? आखरत के एतबार से दुनिया के मामला अलग हैं हम एक रियलिटी जो हमारी अल्लाह तक तख्लीक की है हम उसमें बाउंड हैं उसमें हम किस तरह बाउंड हैं हम कुछ डायमेंशनस के अंदर हैं फॉर एग्जाम्पल हमारी एक डायमेंशन है हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस हम कोई अपनी एग्जिस्टेंस ऐसी इमेजिन नहीं कर पाते कि जिसमें हमारी कोई फिजिकल हमारा वजूद ना हो आप जो भी कर लें आप नहीं सोच सकते आप अपना एक ऐसा वजूद नहीं सोच सकते कि जिसमें आपके पास जिसम ना हो नहीं कर सकते ख्याली तौर पे भी करने की कोशिश कर लेंगे लेकिन हम एक, उसको इम, जो उसका हक होगा इमेजिन नहीं कर सकते इसी तरह जो गुजरा हुआ कल है मैं उसको वापस नहीं ला सकता मैं कहीं ना कहीं टाइम में बाउंड हूँ और ये टाइम मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं चलता आप ये नहीं कर सकते कि अगर आज वेंसडे है तो कल वापस ट्यूसडे आ जाए ये नहीं कर सकते आप कहने को अपने आप को कर देंगे लेकिन होगा नहीं तो हम बहुत सारी डायमेंशंस के अंदर बाउंड हैं लेकिन ये डायमेंशंस के अंदर तमाम मखलूक बाउंड नहीं है कैसे तमाम मखलूक बाउंड नहीं है मिसाल के तौर पे हम शेप शिफ्ट नहीं कर सकते ऐसा नहीं है कि मैं आज इस रूप में आ रहा हूँ कल मैं किसी दूसरे रूप में आ जाऊँगा परसों में बिल्ली बन जाऊंगा हम नहीं कर सकते लेकिन अल्लाह ताला की कुछ मखलूक है जिसको अल्लाह ये ताकत दी है मिसाल के तौर पर जन्त आपके लिए फरिश्तों को भी दिया है जबराली स्लम आते थे इंसानी फॉर्म में इंसान तो नहीं थे इंसानी फॉर्म में आते थे तो अल्लाह तेने कुछ मखलूक को कुछ चीज़ें दी हैं कुछ मखलूक को कुछ चीज़ें नहीं दी है इस तरह मिसाल के तौर पर हमारी एक लॉजिकल सोचने की एक इसता है आप बकरे को कभी अपनी बात समझा सकते हैं उसको आप मैथ्स पढ़ा दें नहीं कर सकते क्योंकि वो उस एतबार से उसकी एग्जिस्टेंस अलग तरह की है तो आखरत के मामलत में और उससे बढ़ के अल्लाह के मामले में हमारी क्या लिमिटेशन है कि हम उन चीजों को उन हक को सही तरह ग्रास्प नहीं कर सकते तो हम डिपेंड करते हैं हम बाउंड हैं उस चीज़ पे जो कि हमें बता दिया गया है तो जहां जितना बता दिया गया है उसको उतना मान लेना काफी है उसमें गौर खौज करना फायदा नहीं देगा क्यों फायदा नहीं देगा क्योंकि जब आप एक चीज़ की हकीकत को जानते ही नहीं है आपकी इस्तात ही नहीं है कि आपका दिमाग उन चीजों की हकीकत को अंडरस्टैंड कर सके ग्रास्प कर सके तो उसमें बैठ के फजूल में बहस करने का कोई फायदा नहीं इख्तिलाफ कर सकते हैं मिसाल के तौर पर मैं आप सोचा भाई जन्नत में अनार होगा होगा ना उसका छिलका बाहर से कौन से कलर का होगा बिल्कुल ब्लड रेड होगा या थोड़ा शाइनी रेड होगा या किस तरह का होगा अब आप कहेंगे नहीं मेरे ख्याल में इस तरह का होगा मैं कहूँ मेरे ख्याल में इस तरह का इन ख्याल का को कोई काम नहीं है कोई रोल नहीं है तो अल्लाह तत में भी जो ईमान बिल्ला है उसमें तहरीफ इनकार कर देना या उसके माना चेंज कर देना इसकी भी कहीं ना कहीं बुनियादी वजह क्या बनी थी क्योंकि जब इंसानों ने अपनी अकल पे अल्लाह की जात को लाने की कोशिश की तातील की वजह भी क्या बनी कि जब हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग से करने की कोशिश की और तकीफ तो यही मामला था कि भाई उसकी कैफियत किसी तरह हमें बताओ ताकि हम उसको ग्रास कर सकें उसकी कैफियत नहीं बता सके चलो एक मिसाल दे दो मुशापे कोई चीज़ बता दो कि अच्छा चलो उस तरह समझ लें तो इनकी बुनियादी वजह क्या बनी कि जब इंसानों ने अल्लाह ताला की जात को अपनी अकल पे लाने की कोशिश की ये मामला हम देखते हैं कि इस तरह के सवाल अल्लाह की जात में सहाबा में मौजूद नहीं थे हालांकि सहाबा कर सकते थे इन मामला में सहाबा हमसे ज्यादा गौर व फिक्र करने वाले थे आज हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर एथीजम का मामला यानी अल्लाह की ज़ात में कि भाई अल्लाह तला है भी या नहीं है ये मामला सहाबा के टाइम में था क्योंकि सहाबी ने आके बताया कि मुझे ऐसी सोच आई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि शैतान तुम्हें ये करेगा ये करेगा बोलेगा इसको किसने बनाया इसको किसने बनाया और एंड में क्या बोलेगा कि अल्लाह को किसने बनाया तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला कि हाँ सोचना कि क्यों क्या नहीं क्या बोला कि वहां पर जाके क्या करना रुक जाना वहां पर जाके फिर ये तफक्रात नहीं करना क्यों क्योंकि वो जात ऐसी है जिसके बारे में तुम तफक्कुर कर नहीं सकते फिर इसी तरह उस हवाले से एक एबार था कदर का तकदीर का जो मामला है उसमें क्या कह दिया कि ये अल्लाह के सिर में से एक सिर है अल्लाह की जो सीक्रेट, से है, से एक सीक्रेट है तुम इसके हक को नहीं समझ सकते कुछ मामला हैं जो मैं तुम्हें बता दूंगा उतना तो तुम समझ सकते हो लेकिन इसकी जो हकीकत है इस हकीकत को कहते कुन्फ नून हा, उसकी जो बुनियादी हकीकत है उसको तुम ग्रास नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे जहन में यही ख्याल आएगा कि अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं इन मामला को तुम समझ ही नहीं सकते तो इन मामला में तुमने क्या करना है समेना वा आमनना बस इतना काफ़ी है इससे ज्यादा तुम्हारा मुतालबा ही नहीं तुम्हारा जन्नत में या जहनत में जाने का जो, जो फैसला है वो इस चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा जब इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो अपने को इसमें ज़ाया ना करो ठीक है जी तो ये बुनियादी उसके बाद जो है शेख साहब ने क्या किया शेख साहब ने ये जो अल्लाह के जो असमां हैं और उनकी सिफात है उसके एतबार से मुख्तलफ क्या दिन अदिल्ला दिए कि ये आयत ये आयत ये आयत और मुख्तलि जो सिफ़ात हैं मुख्तलिफ जो आसमां हैं उनका इस बात क्या कि देखें कुरान ये भी कह रहा है, कुरान ये भी कह रहा है कुरान ये भी कह रहा है और फिर क्या किया फिर अहादीस का जिक्र किया कि अल्लाह के नबीम ने हमें यह भी बताया ये भी बताया ये भी बताया ये भी बताया ये भी बताया अब जो है वो क्या बताएंगे कि इन चीज़ों को इस तरह जिक्र करने का मकसद क्या था कि उस वक्त क्या मामला चल रहा था जी तो अब आप आ जाए वल जमाती और ये आ, हमने जो आयात थी और अहदीत थी इनका बुनियादी तौर पर जो तर्जुमा था वो हमने देख लिया था कि कौन कौन सी सिफात जो है उनका जिक्र आ चुका है उनकी जो तफसल है उसमें फिर हम बाद में जाएंगे फिर शेख साहब ने अब क्या बयान किया कि अहलसन्नति वजमात जो है वो क्या है वस यानी यहाँ पे उन्होंने हेडिंग जो यहाँ पे, याँ पे किताब में लिखी है वस्ती य तो अहल सुन्नति वल जमती बीना फिर के अहल सुन्ना वाल जमत का दरमियाना होना शेख साहब कहते हैं बल हुमुल वस्तु फी फिर उम्मा ये कौन है आप आ जाए अगर आपका पी पीडीएफ एफ वाली फाइल ही है तो इसका पेज नंबर होगा एटी टू हुमुल वस्तु फी फिर उम्मा के ये अहल जमा क्या है वस्त हैं फी फिर उम्मा ठीक है उम्मत के जो तफरुकात है उम्मत के जो फिरक हैं उनमें ये वस्त हैं कमा अन्नल ही फिल फिल्मी जैसे कि ये उम्मत जो है वो दूसरी उम्मतों के अहबार से वस्त में है तो सुन्ना जो है, वो उम्मत के जो फ़िरक हैं उनमें वस्त में है फिर शीशा बयान करते हैं कि किस तरह वस्त में या कहाँ कहाँ वस्त में है तो फहम वस्तुन फीबा भी सुबहान तहाँ पे अल्लाह की सफात के अतबार से वस्त में है किसके दरम्यान बीनाली तातील जो क्या था तातील नहीं करते तो ये कौन से लोग हैं जो कि तातील करते हैं यानी के इनकार करते हैं और उस ग्रुप का नाम क्या मेंशन किया कि इस ग्रुप को किस नाम से जाना गया था अल अलजहमिया और दूसरे आहलो तमसील जो कि मिसाल बयान करते हैं अल्लाह अल्ला तत्त में उनका नाम क्या क्या, क्या कहा गया अल मुशबा की यह तशवी देते हैं तमसील बयान करते हैं। ये एक हेडिंग हो गई कि इस एतबार से अल्लाह की सिफात के अहबार से दूसरा शीस ने कहा कि और ये वस्त है फीबा भी अफाल अल्लाह ताला तल्ला तफ़ाल के अतबार के के से इसको आप आसानी के लिए जो हम कदर का मामला कहते हैं कदर के मामले में उसमें आहल सुना वमा किसके दरमियान है बई कदरिया वल जबरिया तो ये कदरिया और जबरिया भी क्या है दो ग्रुप्स हैं वीबा भी वहीद्ला और अल्लाह त के एबार से वो कहते हैं जी डरावा डराने को कि अल्लाह ने जो मखलूक को इंसानों को डराने के अतबार से जो कुछ आयात और नसूस हैं उस एस जमा का है बैन अल मुरजिया मुरजिया के दरमियान दरम्यान वह वा बैनलवाइिया मिनल कदरिया कदरिया में से एक वाइदिया है यानी लार्जर ग्रुप कौन सा है कदरिया के नाम से फिर उसमें से शेख साहब बता रहे हैं कि सारे कदरी एक जैसे नहीं बल्कि कदरिया में भी आपस में कुछ मामला में इख्तिलाफ है तो इनमें से एक ग्रुप जो कि वीदिया के नाम से फिर मशहूर हुआ उनके और मुरजिया के दरमियान है वफी बाबिल ईमानी व दीनी ईमान और दीन यानी एक शख्स पर इस्लाम और ईमान या कुफर का जो असिलाहत जो अप्लाए होंगी उस एतबार से कहाँ पे है बैन अलूरिया वाल मोतजिला और मोतजिला एक साइड पर है वबीनल मुरजिया वल जहमिया और मुरजिया और जहमिया जो दूसरी साइड पे हैं और फिर अबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतबार से दो एक ग्रुप्स कौन से है बीन अल खवारिज के रवाफिज और खवारिज के दरमियान है ठीक है अच्छा जी एक सॉरी जी जी इन फर्कों को बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे Okay, okay. अच्छा आम, ये शेख साहब ने क्या किया है अब बयान किया है कि आलो जमा किधर है में आ तो एक इस साइड वालों को जिक्र किया है और एक इस साइड वालों का जिक्र किया है ये दो साइड को क्या कहा जाता है एक्सट्रीम्स ठीक है और अरबी जाता है एक साइड कहलाती है इफरात वाली और दूसरी साइड कहलाती है तफरीत वाली ठीक है अफरा तो तफरीत एक्सट्रीम्स हैं और वस्त कौन है वो शेख साहब कह रहे हैं वल जमाय अब ये सुन्ना वल जमा पहले तो ये कि ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन आहलोसन व और कौन नहीं है कोई लेवल है कोई अथॉरिटी है जो कि थप्पा लगाती है कि हाँ ये वाला हलो सुन्ना है ये वाला नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है जिस तरह ईमान और कुफर का ठपा किसी के पास लगाने का नहीं है इसी तरह आल्वल जमा का भी किसी के पास नहीं है कब हम कहते हैं कि एक शख्स ईमान वाला है कब नहीं है वो कुछ क्राइटेरिया है जो किसने बताए अल्लाह और उसके रसूल ने बताया वसल्लम कि ये क्राइटेरिया है जो अपने आप को इस बुनियाद पे लाता है वो अपने आप को मोमिन कहे इस्लाम वाला कहे जो नहीं लाता वो अपने आप को ना कहे तो इसी तरह आलसन्ना वाल जमा के भी अतबार से है कि जो उसके क्राइटेरियन है उसके एतबार से जो आता है वो आए जो नहीं आता वो अच्छा अब आपने जैसे उलूहियत जो आपने किताब तोहिद पढ़ी थी उसमें आपने देखा था कि उलूहियत एक बड़ा बाब है ठीक है एक पूरी कैटेगरी है उसके अंदर फिर मुख्तलिफ क्या है सेक्शन हैं असल कुछ चीज़ें उसूली हैं असल हैं फिर कुछ चीज़ें फ्रूड़ी हैं कुछ जगहों पर क्या होता है कि उसूल में इतफाक़ होता है फ्रूर में इख्तलाफ होता है थोड़ा बहुत कि भाई ये मामला इस तरह करना है नहीं करना है हाँ इसमें कुछ अख्तिलाफ हो गया लेकिन जब असल में अख्तलाफ हो जाता है तो फिर क्या होता है फिर जो है कहीं कही ना कहीं एक डिफरेंस इतना बड़ा आता है कि भाई जब हमारी असल ही डिफरेंट है तो हम जमा किस चीज पे हो रहे हैं ठीक है ये बात के एक्सट्रीम्स अब सवाल ये कि आजकल हमारे साथ क्या होता है ये जो हमारा वर्ड है एक्सट्रीमिज्म का ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं एक आम शख्स किसको एक्सट्रीमिस्ट कहता है ये लोग बहुत एक्सट्रीम में हैं जी ठीक है जो रिलीजन फॉलो कर रहा होता है वो चले एक शख्स जो रिलीजन फॉलो नहीं कर रहा वो रिलीजन वाले को कहेगा लेकिन रिलीजन वाले जो हैं वो किसको कहते कि ये ये सोच एक्सट्रीमिस्ट ये थोड़ी एक्सट्रीम वाले हैं जो दूसरों पे फतवे लगाते हैं गुमराह के तकफीर करता है उस पर ये एक्सट्रीमिस्ट है अच्छा चले एक एक्सट्रीम ये हो गई चले एक एक्सट्रीम क्या हो गई जो हर किसी पे फतवे लगा रहा है ये एक्सट्रीम है ना एक तो उसकी ऑपोजिट एक्सट्रीम क्या होगी नहीं इसी टर्म में नाम छोड़े इसी टर्म में कि एक शख्स जो हर किसी पे फतवे लगा रहा है कि भाई ये काफिर है ये काफिर है ये काफिर है एक अगर आप कह रहे हैं कि एक एक्सट्रीम है तो इसकी दूसरी ऑपोजिट एक्सट्रीम क्या होगी जो क्या करेगा जो क्या कहेगा कि कोई भी काफिर तो नहीं सब सही है फिर वस्त क्या बनेगा वस्त क्या बनेगा जो क्या कहेगा कि भाई ना ब्लैंड मतलब हर किसी को यहाँ बेच सकते हैं ना हर किसी को यहाँ बेच सकते हैं कुछ क्राइटेरिय है जिसकी बुनियाद पे जज किया जाता है हर कोई यहाँ भी नहीं जाता हर कोई यहाँ भी नहीं जाता कुछ मामला के कहने का जो एक पॉइंट है जिमन वो ये है कि ये एक्सट्रीमिज्म जो है ये मैं और आप डिफाइन नहीं करते हमारा मामला क्या होता है कि हम एक्सट्रीमिज्म को जो डिफाइन कर रहे होते हैं ना वो अक्सर अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर डिफाइन कर रहे होते हैं मैंने सुना भाई वो सारे तकफीर कर रहे होते हैं तो इसलिए वो एक्सट्रीमिज्म है क्यों वहां पे आप उनके ग्रुप में जाएंगे तो वो कहेंगे कि तुम एक्सट्रीमिस्ट हो तुम किसी पे भी फतवा नहीं डालते सिंपल सी बात है जो आपका हीरो है वो मेरा विलन है जो मेरा विलन है मेरा हीरो है वो आपका विलन है सिंपल सी बात है इस एतबार से कि भाई कौन एक्सट्रीम पे है कौन एक्सट्रीम पे नहीं है ये डिसाइड हम कैसे करेंगे हम कैसे डिसाइड करें इसका सिंपल सा जवाब जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया था मा अन अले ही वीी जिसपे मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं एक बुनियाद बता दी कि अपने आप को इस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट लाते रहो लाते रहो लाते रहो जब तक इस पे हो इसका मतलब है कि तुम वस्त में हो उम्मत हो दूसरी बात ये कि वो क्राइटेरिया होगा ना तुम्हारे पास कोई कि वो क्राइटेरिया की बुनियाद पर और जिसको आप बुनियादी तौर पर कहते हैं किताबोसनत किताबोसनत की क्राइटेरिया पर लाते रहो अपने आप को तो इसका मतलब है आप वस्त पे हो जहाँ पे आप आगे पीछे जाओगे तो इसका मतलब है कि आप कहीं अच्छा अब अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे नज़दीक एक्सट्रीमिस्ट वो है जो दाढ़ी रखता है और पर्दा करता है तो हाँ ये सोच है ठीक है सोसाइटी में ये सोच है कि जो लोग दाढ़ी रखना शुरू कर देते हैं शरी पर्दा करना शुरू कर देते हैं कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो लोग हर वक़्त नमाज पढ़ने की फिक्र करते हैं कि आप मीटिंग में हो और मीटिंग चल रही है लेकिन आप कहेंगे नहीं मेरा नमाज का टाइम हो गया तो लोग आपको कहेंगे यार आप कैसे एक्सट्रीमिस्ट हो क्यों भाई ये सारी मीटिंग चली है सब क्या करेंगे आप नमाज के लिए जाना चाह रहे हो भाई कुछ रूल्स होते हैं कुछ ऑफिस की भी गाइडलाइंस होती हैं कुछ बाउंड्रीज होती हैं तो आप भी एक्सट्रीमिस्ट बन जाएंगे तो ये कि हम एक्सट्रीमिस्ट का जो वर्ड है ये हम थोड़ा सा लिबरली इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई जो चीज हमें समझ नहीं आ रही होती हम क्या कह देते हैं भाई ये एक्सट्रीमिज्म है मैं क्या किसी चीज को एक्सट्रीमिज्म कहूंगा एक शख्स जो एक भी दिन कुरान नहीं पढ़ता मैं उसको कह दूंगा यार ये एक्सट्रीमिस्ट है

कत्ल करने का मामला जो है वो एक पोलिटिकल कॉन्टेक्स में एक्सट्रीमिस्ट का वर्ड आसानी से इधर की डायरेक्शन में जाता है और उधर की डायरेक्शन में जाता ही नहीं है ठीक है कि जो शख्स तक तकफीर कर रहा है जो कतल कर रहा है वो तो आता है कि फौरन फौरन क्या है एक्सट्रीमिस्ट है लेकिन एक्सट्रीम दो साइड की है ना अफरात और तफरी दोनों है तो जो बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं कह रहा जो कह रहा है हर कोई सही है जो कह रहा है भाई जिसको जो करना है वो करता रहे तो उसको क्यों एक्सट्रीमिज्म हमारे जहन में नहीं आती है बात शेख साहब की आपने किताब देखी पुरानी किताबें सात सौ आठ सौ साल और इससे भी पुरानी पुरानी किताबें कोई मसले ही बात नहीं है शुरू में शेख साहब ने क्या किया शेख साहब ने जनरल रूल बताया कि भाई ये जनरल रूल है आल्ल जमा के यहाँ इस किताब के अतबार से शेख साहब का दावा रहा है अपने टाइम में भी और जाहिर सी बात बाद में भी कंटिन्यू कहा कि उन्होंने ये जब दा लिखा था उनके टाइम्स में फिर लोगों ने उनसे इख्तलाफ किया और उनके मुनाजरे भी हुए शेख साहब ने अपने मुनाजरे में कहा कि ये मेरी जो किताब है ये जो मैंने बयान किया है अगर इसमें कोई बात ऐसी हो जो कुरान के खिलाफ हो हदीस के खिलाफ हो या सलफ़ के इजमा के खिलाफ हो कोई भी बात ऐसी हो तो वो मेरे सामने ले लिया जाए मैं उससे जो है वो अपने आप को चेंज कर लूंगा लेकिन उस दावे पे कोई आया नहीं यार आपकी कोई बात जो है वो कुरान के हदीस के या सलफ के इजमा के खिलाफ है जब उन्होंने इस आयात जिक्र की अहादी जिक्र की फिर उन्होंने अब क्या किया ये जो इस पॉइंट पर आके शेख साहब ने किया ये क्या किया है कि वो कह रहे हैं कि भाई अहलो तातील तातील का शेख साहब ने पहले भी जिक्र किया तशबी, ये पहले जिक्र किया वे तो न लेकिन ये जो शेख साहब ने किया कि जहमिया मुशबा जबरिया कदरिया मुरजिया ये शेख साहब क्या कर रहे हैं राफिज़ा खवारिज़ ये क्या कर रहे हैं नहीं तो ये ये क्या है कहते थे तातीली व वा वाह तमसील शेख साहब आप अगर पहली लाइन देखें ये जो है ना फम वस्तुन फी बाफा सुबहान वाली बई तातीली ताली तातीली व वा वाह तमसील कहते हैं ये जामिया और मुश्बिया को लिखने की क्या जरूरत थी उन्होंने ये नाम जिक्र किया ये चीज जहन में रखिएगा कि ये नाम उन्होंने जिक्र किए हैं खुद अपने आप को कहां पे मान रहे हैं कि मैं वस्त्र में हूं और उसकी बुनियाद मेरे पास क्या है कि मैं जो भी बात कर रहा हूं उसका मेरे पास रेफरेंस है किताबों सुनस से उस मनहज पे जो कि सलफ का रहा है इस वक्त तक इसलिए मैं अपने को वस्त्र पे क्लेम कर रहा हूं और जो या इधर है या उधर है उसके पास ये प्रूफ नहीं है जो भी फिक्र है आपको मिलेगा कि वो जमाने में एक टाइम बाद आई है एक टाइम ऑफ ओरिजिन आपको मिलेगा जो कि बाद का है कि हाँ इस टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस टाइम इनका जहूर हुआ इस तरफ इनकी नस्बत है इस शख्स के साथ इनकी नस्बत है तो ये चीजें बाद में जो आई उसका शेख साहब ने एक क्राइटेरिया बता दिया ना कहीं, मेरे पास ये क्राइटेरिया है इस क्राइटेरिया के हिसाब से मैं अपना आपको वस्त में कंसिडर कर रहा हूँ और मैं उन लोगों के आपको नाम बता रहा हूँ जो कि इस क्राइटेरियन पे नहीं है ठीक है अब ये नाम जो जिक्र किया तो ये हम शेख साहब को एक्सट्रीमिस्ट नहीं कह सकते कि शेख साहब तो फतवे लगा रहे हैं लेकिन जहमिया को आहलताल कह रहे हैं और मुश्ब्या को अहलो तमसील कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि आहलसन्ना वाल जमा जो है वो सही है अरतन नाजिया वो आलोसन्ना का है और ये जो है कि ये वाले इधर और ये वाले इधर जब फिरकात नाजिया उन्होंने बयान कर दिया दूसरे को आपने कहा कि वह गैर नाजिया है तो फिर वो नाम भी ज़िक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये सोच लेना कि किसी दूसरे की गलती को जिक्र करना उसके नाम के साथ ये एक्सट्रीमिज्म है ये कहीं ना कहीं एक चीज है जिसको हमें अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा कि भाई ये क्यों हम सोचते हैं कि किसी की गलती को जिक्र करना उसके नाम के साथ भी अगर किया जा रहा है तो ये एक्सट्रीमिज्म बन जाएगी बाय डिफॉल्ट यह थोड़ी सी सोचने की बात है दूसरा ये कि कहाँ पे इन्होंने कहा है कि भाई ये जो है आगे भी हम किताब देखेंगे इन कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कैसे हैं कि हम वस्त पे हैं तो बाकी कहाँ पे हैं ईमान से बाहर हैं ये शेख साहब ने कहीं नहीं किया इस पे जो ये बहस है फिर बाबिल ईमानी व दीनी उसमें शेख साहब बयान करेंगे कि एक ग्रुप है जो कि दूसरों को निकालता रहता है और एक ग्रुप है जो कि हर किसी को दाखिल करता है कोई उसमें इसकी ईमान की तफरीक नहीं करता तो शेख साहब बयान करेंगे अच्छा अब दूसरी बात ये कि अब जब शेख साहब ने कहा है मिसाल के तौर पे कि अल जहमिया अब शेख साहब की यहाँ पे अल जहमिया से मसलन क्या मुराद होगी कि ये जहमी कौन है शेख साहब ने किसी का नाम लिखे कहा हाँ ये फलां शख्स है ये जहमी है ये फलां शख्स है अपनी किताब में जिक्र किया कि ये फलां शख्स जहमी है फलां शख्स जहमी ये फलां शख्स जहमी नहीं क्या किया एक कैरेक्टरिस्टिक बता दिए और उस कैरेक्टरिस्टिक जिस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो ग्रुप जो है वो मशहूर हुआ उन्होंने कहा कि हाँ हम इस चीज़ के दाई हैं मुद्दई हैं उन्होंने कहा भाई तुम इस चीज के दाई हो मुद्दई हो अच्छा अब मैं कैसे साबित कि तुम इस चीज के दाई हो या मुद्दई हो मैं कैसे साबित करूंगा एक शख्स एक चीज का दाई है या मुद्दे एक चीज का आप क्लेम कर रहे हैं मैं कैसे क्लेम करूंगा आप एक हिंदू को किस बुनियाद पर कहते हैं कि वो हिंदू है एक क्रिश्चन को किस बुनियाद पर कहते हैं कि वो क्रिश्चन है वो खुद एक्सेप्ट करेगा अगर वो कहता है कि नहीं मैं नहीं हूँ तो आप उससे क्या बोलेंगे भाई वो कहता है एक हिंदू कहता है कि मैं भाई मैं हिंदू नहीं हूँ तो आप क्या कहेंगे फिर आप क्या हो बताओ मैं अगर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ तो फिर उसकी भी एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी ना ये जो कुछ भी नहीं है उनकी भी एक कैटेगरी होगी और जो अपना आपको कहेगा कि मैं मुसलमान हूँ उसको आप क्या कहेंगे भाई बताओ कैसे आप मुसलमान हो कहेंगे ना और वो बताने का क्या तरीका है कि शहादत पढ़ता है कलमा पढ़ता है के जमाने से वसल्लम के जमाने से चला रहा है कि जिसने इस्लाम कबूल किया है उसने शहादत दी है गवाही दी है लोगों को बताया है कि मैं मुसलमान हूं जिसने नहीं कहा है उसको क्या कह रहे हैं भाई उसको इस ग्रुप में जबरदस्ती तो नहीं डालेंगे ना यानी तुम भी इधर हो तो। जब आप इस्लाम के ग्रुप में नहीं है तो बाई डिफॉल्ट आप किस ग्रुप पे हैं कुफुर के ग्रुप पे आप वो एक ब्रॉड कैटेगरी है तो इसी तरह जब आप आहलो सुना वाल जमा के मौकफ पे नहीं है किसी मामले में पूरे उसको छोड़ें किसी मामले में अगर आप सुनावल जमा के मौकफ पे नहीं है तो उस मामले में कम अज कम आप सुनावल जमा के मौक पे आप किसी दूसरे के मौकफ पे हाँ अगर आप कहते हैं कि यार मैं उस मौका पे नहीं हूं तो मैं कहूंगा ठीक है आप नहीं है लेकिन वो ग्रुप तो अपनी जगह पे है ना हमें कैसे पता चला वो ग्रुप अपनी जगह पे हर सोच के जो है हर सोच के क्या होते हैं कुछ हेड्स होते हैं ठीक है अब मिसाल के तौर पे क्या पाकिस्तानी है क्या प्रूफ है आपके पास आप पाकिस्तानी आई डी कार्ड आई डी कार्ड कौन होता है ये कहने वाला कि आप पाकिस्तानी आपको आई डी कार्ड किसने दिया है गवर्नमेंट ने दिया गवर्नमेंट कुछ होती है ये कहने वाली कि आप पाकिस्तानी है नहीं है होती है ना इस वजह से हम मानते हैं भाई आप कहते दें कि नहीं गवर्नमेंट कुछ नहीं होती तो आपको जो करना है आप कर लें क्या होगा नुकसान आपका होगा गवर्नमेंट एक अथॉरिटी है जो कि डिसाइड करती है कि एक शख्स हमारे मुल्क से बिलोंग करता है या नहीं करता वो किसी को सिटीजनशिप देंगे किसी को देंगे। आप किसी भी मुल्क में मुंह उठा के चले जाएंगे ऐसा तो नहीं हो सकता ना वहां के लोग कहेंगे कि भाई आप हमारे ग्रुप के हैं आप हमारे ग्रुप के नहीं है कोई अथॉरिटी होती है जो कि अथॉरिटी कंसिडर की जाती है फिर ये जो अथॉरिटी की एक पावर होती है ना ये मुख्तलिफ तरीकों की होती है कहीं पर यह लीगल पावर होती है जैसे गवर्नमेंट की एक लीगल पावर है ठीक है और कहीं के उनके पास एक ए हाँ, इसका वर्ड में इंग्लिश का बोल एक होता है डिफेक्टो पावर और एक कौन सा होता है एक इसका कुछ वर्ड होता है मिसाल के तौर पे घर का हेड कौन होता है अगर एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल इन के जैसे अम्मी अबू कुछ बच्चे इस घर का हेड कौन होगा अबू ये कौन से हेड होंगे ये शरी ऐतबार से लीगल हेड होंगे लेकिन कभी कभी डिफेक्टिव हेड अम्मी भी हो सकती है अबू कहेंगे कि बेटा अम्मी से पूछ लो अम्मी कहेंगी तो काम हो जाएगा अम्मी कहेंगी तो काम नहीं होगा तो ऐसे घर का लीडर कौन हुआ हेड कौन हुआ अम्मी हुई फैक्चुअली तो इसी तरह कुछ जगहों के कुछ फैक्चुअल लीडर्स होते हैं फैक्चुअल लीडर्स का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं किस यूनिवर्सिटी में कराची में. क्या मैं आपके साथ बैठ के डिसाइड कर सकता हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए आप कराची यूनिवर्सिटी का हिस्सा है ना आप आज से कह हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स नहीं होंगे तो क्या नहीं होंगे आप कहते हैं भाई कल कराची यूनिवर्सिटी बंद है आप कराची यूनिवर्सिटी का हिस्सा है ना है ना हिस्सा तो आप क्यों नहीं कह सकते कि भाई कराची यूनिवर्सिटी कल बंद होगी कल खुली होगी आप स्टूडेंट है आपका एक रोल है कोई शख्स है जो कि ये पावर रखता है कि वो डिसाइड एक शख्स होगा कहीं पे मल्टीपल बोर्ड्स होते हैं कुछ होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अथॉरिटी होती है कहीं पे वो लीगल अथॉरिटी होती है कहीं पे वो एक्नॉलेज लोगों ने एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ ये अथॉरिटी है उसके पास कोई कार्ड नहीं होता कुछ नहीं होता लेकिन वो शख्स कहता है और लोग करते हैं वो शख्स बताता है और लोग उसको रेफर करते हैं कि हम जो है उसके फॉलोअर्स हैं हम वो जो बात कह रहे हैं हम उसको मानते हैं ये जो कहेगा हम उसको मान लेंगे वो होता है एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ थॉट उस सोच का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वो शख्स होता है कराची यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट नहीं होता ठीक है वो शख्स अगर कहेगा ना कि हाँ कराची यूनिवर्सिटी कल ऑफ होगी तो ऑफ होगी वो शख्स कहेगा ना कि हम इस सोच के हामिल हैं तो वो उस सोच का हामिल है और फिर जो शख्स चाहे अपनी निस्बत करे आपको कोई फोर्स नहीं करता कि आप कराची यूनिवर्सिटी जाए आप ना जाना चाहे ना जाए आप एडमिशन ना लें आपकी मर्जी है आपको किसी सोच से एस्क्राइब करना है आपको कहना है हाँ, मैं इस सोच का हिस्सा हूं तो आप बने नहीं बनना आप ना बने मर्जी आपकी लेकिन आप ये नहीं कह सकते मैं अपना आपको ये नहीं कह सकता कि यार मैं आज से ना अफगानी हूं क्यों क्यों नहीं कह सकता क्योंकि अफगान अथॉरिटी जब तक एक्नोलेज नहीं करेगी उसका जो क्राइटेरिया जब तक मैं उस पर नहीं आऊंगा तब तक मैं अफगानी एक शख्स मुंह उठा के आ जाएगा भाई मैं तो बुरुज का स्टूडेंट हूं तो बुरुज की अथॉरिटी कहेगी कि भाई कहाँ से आप स्टूडेंट हैं ये थोड़ी कि जिसका आप कह दें कि मैं जो है ना कोई सोच का जिक्र करें मैं एक शख्स कहता है मैं मुसलमान हूं मैं कलवा नहीं पढ़ूंगा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा लेकिन मैं मुसलमान हूं तो आप क्या बोलेंगे भाई जैसे आजकल एक फिक्र है ना आजकल एक फिक्र है कि जिसका जो दिल चाहे अपना जो जेंडर चाहे आप कह दें एक मर्द कह दे मैं आज से औरत हूं आपको मानना पड़ेगा औरत कहते हैं मैं आज से मर दूँ आपको मानना पड़ेगा एक सोच है ना तो इस तरह तो जिसका जो दिल चाहे कह दे कि नहीं भाई कहते हैं ऐसा नहीं है दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है वो किसी बुनियाद पे चल रहा है जो भी सोच है उसके कुछ अथॉरिटी होती है कुछ हेड होती है कभी ऐसा होता है ना कि अथॉरिटी वालों में इख्तिलाफ होता है तो फिर वो दो ग्रुप्स बन जाते हैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान कराची की कराची या सिंध कह लें सिंध की एक पोलिटिकल पार्टी थी है अभी भी उसके जब में फ हुआ तो वो बाकायदा दो अलग अलग ग्रुप हो गए दो नाम अलग अलग हो गए कौन करता है कि हेड्स कौन है लीडर्स कौन जब हम इस कॉन्टेक्स में आते हैं दीनी से आते हैं तो हमें कैसे पता चलता है आपको आज कैसे पता चलेगा कि हिंदू मजहब क्या कहता है या क्रिश्चन मजहब क्या कहता है या जूस क्या मानते हैं आपको कैसे पता जाए क्या आप किसी हिंदू से जाके पूछेंगे तो वो आपको बताएगा और आपको पूरा हिंदुजम समझ में आ जाएगा एक आम हिंदू चलता फिरता भाई तू हिंदू अच्छा तू हिंदू बताओ तो हिंदू क्या होता है और आप मान जाएंगे नहीं फिर आप कैसे इल्म हासिल करते हैं एक का उनकी कोई ऐसी बुक्स होंगी जिसको उनकी अथॉरिटी ने कहा होगा कि हाँ दिस इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर बिलीफ आप किसी ऐसे ही हिंदू की उठा लेंगे तो अथॉरिटी कह देगी भाई इसको तो हम मानते ही नहीं है हम जिसको मानते हैं आप उसको पढ़ो उसके एतबार से हमें जज करो ठीक है हमारा मुसलमानों का भी आज क्या रोना है कि भाई हमारे एक्शन से आप मुसलमानों को ना जज करें प्लीज या इस्लाम को ना जज करें आप इस्लाम को किस बुनियाद पर जज करें जो कि हमारी किताब कहती है जो हमारी अथॉरिटी कहती है हमारी सोर्स कहती है ठीक है जी तो इस एतबार से ये बात जहन में रखें कि ये जो ग्रुप है जहमिया हो गया जबरी हो गया कदरिया हो गया इससे मुराद इनका एक, -एक शख्स नहीं होगा और ना ऐसा होगा कि एक कदरी आके कह दे कि यार आप ये जो बात कह रहे हो ना ये मैं तो नहीं मानता आप नहीं मानते आपका नहीं कह रहा कोई भी ये ग्रुप मानता है हमें कैसे पता चला कि इस ग्रुप के जहमिया जो वर्ड है ये जहमिया वर्ड किस तरह बनाए लीडर का नाम है उस नाम की तरफ नस्बत की जा रही है अब वो लीडर ही अगर कह दे मिसाल के तौर पे अगर शुरू शुरू में ही लीडर कह दे कि भाई मैं इस बात को नहीं मानता तो ये नाम हट जाएगा वहां से लेकिन अगर लीडर मानता है तो उसके साथ जो भी नस्बत करने वाले होंगे वो उसी के फॉलोअर्स कहलाएंगे आप किसी फरा में इख्तलाफ कर लें कोई मसले की बात नहीं थॉट वही रहेगी तो इस एतबार से बर मेहरबानी इस बात को समझेगा अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं अपनी नस्बत बुरूज की तरफ कर रहा हूँ ठीक है और मैं बुरूज का एक अदना सा कारकुन हूँ पचास लोग अगर यहाँ काम करते हैं मैं कहता हूँ यार ब्रूज में ना कल से जो है ना वो लाइटें बंद करके पढ़ाई होगी तो मेरे कहने से क्या हो जाएगा हाँ कोई पर्सन ऑफ अथॉरिटी होगा जिसका माम मतलब वो एडमिन का हेड होगा वो कह देगा कल से लाइटें बंद होंगी तो फिर बंद होंगी मैं किसी को जाके कह दूंगी यार की सोचे, बुरुच की ये सोच है फिकर है फिक्र अगर मैं का एक छोटा सा हिस्सा हूं तो मेरी सोच से कोई ब्रूज की सोच पे फर्क नहीं पड़ जाएगा तो ये देखना पड़ता है कि आप जिस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं आप उसका कितना हिस्सा है कि आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं भी या नहीं है हम एक आम शख्स जो है हम बड़ी थॉट की तरफ अपने आप अपनी निस्बत करते हैं वो थॉट हम नहीं होते हम उनकी तरफ नस्बत कर रहे होते हैं आपकी मर्जी आप अपना आपको आज जहमी कहना चाहें आप कह दें आप कदरी कहना चाहें आप कह दें आप जबरी कहना चाहें आप कह दें लेकिन आपके कहने ना कहने से कदरिया जबरिया की थॉट चेंज नहीं हो रही द थॉट ठीक है तो जब शेख साहब ये कह रहे हैं कि जहमिया जो थॉट है शब्या जो थाट है कदरिया जो थाट है इसके साथ ये वाला मामला होगा तो इसका मतलब क्या शेख साहब को कैसे पता चला शेख साहब ने जाते जाते किसी जामी से नहीं बताया तुम अपने आपको जामी के तौर तो, अच्छा बताओ तो तुम क्या सोचते हो नहीं उनके जो अहम है उनके जो लीडर्स है उनकी जो अथॉरिटी है कहीं ना कहीं कोई कोई रेफरेंस होता है कोई बुक कह लें कोई किताब कह लें कोई आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या मानती है क्या नहीं मानती आपको कहां से पता चलता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तानी गवर्नमेंट का खैर कभी कभी चेंज भी हो जाएगा बट एक आपका राइट बनता है कि आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कैसे कह आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप ये मानते हैं अब उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर अगर मना भी कर दे तो उसको भाई आप छोटे हैं कॉन्स्टिट्यूशन आपसे बड़ा है और यही जंग चलती रहती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है लोग छोटे हैं पॉइंट बींग सोच की जो एक अथॉरिटी है कहीं पे हो सकता है वो कोई बुक हो कहीं पे हो सकता है वो एक शख्स हो कहीं पे हो सकता है वो कोई एक इंस्टीट्यूशन हो कोई एक इधारा हो ये मुख्तलिफ चीजें होती हैं कहीं पे हो सकता है कि एक थॉट इतनी स्प्रेड हो जाती है इतनी कॉमन हो जाती है कि फिर उसका एक आइडेंटिफाइबल कोई सोर्स नहीं रह जाती कि एक शख्स उसका कोई ऐसा नहीं है कि अगर उसने मना कर दिया ऐसा कितने केसेस में होता है कि बड़ी बड़ी शख्सियत होती है जब वो थोड़ा सा इधर उधर होती है उसको ग्रुप वाले ही निकाल देते हैं कि भाई हमारा ग्रुप जो है ना वो आपकी शख्सियत से बहुत बड़ा है आप बर मेहरबानी अपने घर पे बैठ जाए जो आपकी सोच है आप उस एतबार से अपना कोई और ग्रुप स्टार्ट कर लें तो उम्मीद है कि ये बात क्लियर होगी कि जब एक ग्रुप के बारे में बात की जा रही होती है तो उसके हर इंडिविजुअल इंफरादी शख्स के बारे में बात नहीं की जा रही होती जब यह कहा जा रहा है कि मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी चोर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक एक पाकिस्तानी को कह रहे हैं भाई पाकिस्तानी तुम भी पाकिस्तानी हो तुम भी छोरो तुम पाकिस्तानी हो तुम भी छोरो तुम पाकिस्तानी तुम भी छोरो क्या कह रहा है कि है? मैं इस बात से एग्री नहीं कर रहा मैं वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि मजमुई तौर पर उस ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है कि भाई आप जो है अब मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह ते वकालत यह नब्ला अब आप हर यहूदी के पास जाके पूछेंगे कोई कह देगा कि मैं तो नहीं मानता हर, हर है।, है, है हर कोई नहीं माने कोई मसला नहीं है उनके अंदर भी इतने हैं उनके अंदर भी इतने ग्रुप्स है कहीं ना कहीं ये थॉट अप्लाई होती है इस वजह से अल्लाह बयान किया वरना आप जाके पूछेंगे लोगों से लोग कहेंगे हम ये नहीं मानते ठीक है या फिर वो उस अंडरस्टैंडिंग पे नहीं मानते जैसे एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और कहा कि आप कहते हैं कि भाई ये अपने उनकी जो राहिबीन है यानी उनके जो उलमा हैं अखबार हैं उनकी इबादत करते हैं हम तो इबादत नहीं करते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम ये करते थे ये करते थे यही तो इनकी इबादत है तो उनकी समझ में वो सख्त नहीं आया था कि क्या मुराद है हालांकि वो उस ग्रुप का हिस्सा थे वो नहीं मानते थे कि हम उनकी इबादत कर रहे हैं पार्ट ऑफ द ग्रुप कुछ कर रहे हैं लेकिन वो ये नहीं मान रहे कि हम उनकी इबादत कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जो तुम कर रहे थे यही तो इबादत करना होता है एक शख्स कहे कि भाई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को अंधा फॉलो नहीं करता और वहां से कॉल है कि भाई यहाँ पहुंच जाओ और वो पहुंच जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई पूछेंगे कोई रीजन था नहीं यार बस उन्होंने कहा तो भाई यही तो अंधा फॉलो करना होता है और क्या होता है कोई रीजन या कुछ नहीं है बस कहा तो हम कर देंगे तो बात ये कि ग्रुप जब बड़ा होता है तो उसके एक आध रिप्रेजेंटेटिव अक्सर ऐसा होता है कि नहीं होते मल्टीपल और खासकर जितना पुराना ग्रुप होता है उसकी पुरानी अथॉरिटीज होती हैं आप इस्लाम को आज की किताब के बुनियाद पर जज नहीं कर सकते इस्लाम को जज किया जाएगा उसकी जो ओरिजिनल सोर्स है उसकी बुनियाद पे तो इस एतबार से ये हम डिस्कशन थोड़ा सा हम टाइम पे अब शॉर्ट हैं थोड़ा सा तमहीद ने मैंने शायद वक्त ज्यादा लगा लिया है इस पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे जाके भी पहले मेरी एक रिक्वेस्ट ये थी कि ये जो हम वर्ड यूज करते हैं अगर आसानी से यूज कर लेते हैं एक्सट्रीमिज्म का तो हम इसका थोड़ा सा एहतियात करें ख्याल करें कहें एक्सट्रीमिस्ट कहें किसी को लेकिन ये इंश्योर कर लें कि मैं जिसको जिस बुनियाद एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रीमिस्ट कह रहा हूँ वो बुनियाद मेरे पास क्राइटेरिया में, में मेरे क्लियर है और मेरे पास वो क्राइटेरिया है कुरान और सुन्नत अगर वो कुरान और सुन्नत के हिसाब से वो शख्स एक्सट्रीम पे है तो दिल भर मतलब माने आप उसके चेहरे पे कहना ना कहना एक अलग बात है वो हकमत का तकाजा कभी होगा कभी नहीं होगा आप माने कि वो शख्स एक्सट्रीम पे वो माने कि वो शख्स एक्सट्रीमिस्ट है क्योंकि वो कुरान और सुनत से इनहराफ कर रहा है लेकिन अगर आपके पास एक अपना सेल्फ क्राइटेरिया है कि यार ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इस बुनियाद पर अगर आप किसी को एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं तो ये आपकी आपका कॉल है आपकी राय कभी हो सकता है कि वो राय जो है कुरान के मुखालिफ हो ऐसा हो सकता है अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ अच्छी नहीं लगेगी लेकिन है एक एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में अगर एक दीनदार शख्स क्या कर ले बुरा काम कर ले तो क्या होगा ये देखो मौलवी इससे तो बेहतर था तुम दाढ़ी कटवा देते ओ भाई उसकी दाढ़ी का उसके दीन का इससे क्या ताल्लुक है लेकिन क्या लोगों ने अपना क्राइटेरिया बनाया है ना अब आप कहें कि हाँ मुझे अगर एक बुरा काम करना है तो मैं सारा दिनों ईमान छोड़ के फिर बुरा काम करूं ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना हाँ मेरी अच्छाई भी है हाँ मेरी एक कमी है कोताही है बुराई है मुझे आप ये दुआ करें कि मैं इसको ओवरकम करूं तो ये बात कि ये जो हम क्राइटेरिया जब भी डिफाइन करें आपको वैसे आपको जो भी क्राइटेरिया रखना है देखें आप रख सकते हैं आप इंसान है जब हम किसी फोरम पे आते हैं खासकर इल्म हासिल करने के लिए पढ़ने के लिए तो हम ये कोशिश करें कि हम ठीक है कुछ फोरम्स होते हैं जो कि डिस्कशन अलाउ नहीं करते आज मैंने जो आपकी एक रिक्वेस्ट आई है कि आपको डिस्कस करने के इनशाला चाहता भी हूं और करूंगा भी इनशाला को आप डिफेंड कर सकते हो ये बेसिक बात है बुनियाद है मैं एक क्लेम ले आऊ मैं उसको डिफेंड ना कर सकूं ये मसले की बात होगी अगर एक शख्स हक में से अपना आपको कह रहा है अच्छा और ऐसा नहीं है कि मतलब कम से कम मेरे में मेरा कोई बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं रहा एक्सपीरियंस नहीं रहा है लेकिन जो लोग भी कहते हैं ना कि यार आप देखें हर किसी को ना बुरा भला ना खा करें तो उनसे आप मैं पूछता हूँ ठीक है आपकी बात मैं मान रहा हूँ कि किसी को बुरा भला ना खा करें अब बात यह है कि मुसलमानों में डिफरेंट ग्रुप्स हैं ठीक है अब मैं आपको एक छोटा सा एक मसला बताता हूँ छोटा सा एक मसला है आप अपनी राय रख सकते हैं बिल्कुल रखिएगा एक छोटा सा मसला है कि भाई उन लोगों के पीछे नमाज पढ़े और उन लोगों के पीछे नमाज ना पढ़े छोटा सा मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि उसकी सिग्निफिकेंस छोटी है छोटा सा मसला पड़े और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्स हैं जो इस एतबार से चलते हैं अब मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि यार आप ये ना कहें कि इनके पीछे नमाज ना पढ़े ठीक है अच्छा तो फिर मैं क्या कहूँ इनके पीछे नमाज पढ़ लें हाँ आप ना किसी को कहें ना कि पढ़े या ना पढ़े उसके बाद क्या हर किसी के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है हाँ हर किसी के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है तो ठीक है अगर कल को एक हिंदू आके नमाज़ पढ़ाएगा आपके तरीके से आप ही के अलमात कहेगा आपसे अच्छी तजवीज में तिलावत कर रहा होगा तो क्या आप उसके पीछे भी नमाज़ पढ़ने का कहेंगे वहां पे पहले आएगा नहीं ऐसा तो नहीं होगा अच्छा चले हिंदू को छोड़ आप आहल किताब पे आए अगर आहल किताब अगर कहेगा तो आप कहेंगे नहीं तब भी मसला तो है क्या मसला है नहीं वो ईमान का ठीक है चलें अब और आ जाए अब मिसाल के तौर पर अगर एक इस्माइली ये कहता है तो फिर आप क्या करेंगे ये अब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कैटेगरी में हम गए हैं कि अगर हम कहते हैं नहीं तो फिर आगे के सारे सवाल एक ही पैटर्न पाएंगे अगर हम कहते हैं कि हाँ पढ़ लें तो ये बात आज तक किसी से ना सुनिए ना किसी को करते हुए देखा है ना ये पता है कि वो लोग अंदर आके नमाज उस तरह पढ़ने देंगे भी या नहीं देंगे और अगर नहीं कहते तो आ, क्या करेंगे आपकी बात सही है मैं मुसलमानों को नॉन मुस्लिम से कंपेयर नहीं कर रहा प्लीज थोड़ा सा मेरे बारे में जजमेंटल ना हो थिंकिंग पैटर्न को फॉलो करें थिंकिंग पैटर्न को फॉलो करें थोड़ा सा आप भी वेट करें पॉज करें मैं आपसे आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज आप मेरी बात सुन लें इंशाल्लाह मैं भी आपकी बात सुनूंगा और अगर आप क्लास के अलावा भी डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आई एम आल्सो अवेलेबल सिर्फ मैं कह रहा हूँ थिंकिंग पैटर्न को समझे ना कि वो ग्रुप्स शुरू होते हैं ना क्योंकि ग्रुप सिर्फ प्रॉब्लम से शुरू होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर नाम ले करूँ इस्माइली ग्रुप कि इस्माइलियों के पीछे नमाज हो सकती है नहीं हो सकती भाई वो तो उनका तो कलमा भी कुछ डिफरेंट है वो तो कुछ बातें भी डिफरेंट करते हैं नमाज का भी वो इनकार करते नहीं करते लेकिन वो मुसलमान है या नहीं हाँ अब थोड़ा सा मसला आता है अच्छा चले फिर ये दूसरा एक उसके करीब करीब का भोरी ग्रुप आता है हाँ यहाँ पे भी थोड़ा सा अच्छा शिया नहीं शिया तो करीब करीब है तो उनके फिर जो उनकी मसाजिद होती है जिनको आमतौर पर इमाम बारगा कहा जाता है आप कभी वहां जाके आपने नमाज पढ़ी है कभी करीब भी होते हैं तो आप नमाज पढ़ते नहीं कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं जो मेरा अभी कहने का मकसद है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्राइटेरिया चल रहा होता है एक आम शख्स के साथ इशू क्या होता है कि हमारे ये क्राइटेरियन जो है ना वो क्लियर नहीं होते सीधी सी बात है हमारे ये क्राइटेरियन क्लियर नहीं होते जो एक्सपीरियंस रहा है बचपन से सुना सुनाए मिसाल के तौर पे अगर आपको बताया जाए कि एक शख्स दावत पे गया और उसने बारह कोल्ड ड्रिंक्स पी ली तो आप क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे आप नहीं पी नहीं तो आप क्या कहेंगे ज्यादा पी कम पी आप अगर कह रहे हैं ये ज्यादा है तो मुझे वो नॉर्मल लिमिट डिफाइन करके दें कि वो कितनी कोल्ड ड्रिंक्स है क्या है कितनी कोल्ड ड्रिंक्स है दो काफी हैं तीन काफी हैं आप कहते हैं मिसाल के तौर पर आप कहते हैं तीन हो सकता है आपके बराबर वाला कहते हैं दो हो सकता है बराबर वाला कहते हैं नहीं पांच भी चल सकती हैं आप कहेंगे कि भाई कहाँ लिखा हुआ है कौन सी सोर्स है तुम्हारे पास कौन सा क्राइटेरिया क्राइटेरिया बताओगे ना आपके किस बुनियाद पर आप कहोगे कि हाँ दिस इज ओके बट दिस इज नॉट ओके ठीक है तो ये क्राइटेरिया के किसको मैं कहूंगा कि हाँ इसके पीछे पढ़ना इज ओके okay, या ये पर्सन इज ओके दिस पर्सन इज नॉट ओके ऐसा नहीं होगा कि हर कोई ओके okay. ऐसा नहीं होगा ऐसा कोई भी नहीं कहेगा कि हर कोई ओके okay, वो कहीं ना कहीं आके जो है वो कहेगा मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं फ्रीडम फ्रीडम किसको कहते हैं आजादी को एक नारा क्या है कि लोगों को फ्रीडम आजादी मिलनी चाहिए आप मुझे क्या आजादी देंगे कि मैं आपके घर पे आके जो मेरा दिल चाहे करूं नहीं आप कहेंगे नहीं ये तो आजादी नहीं मिलेगी आजादी मिलेगी लेकिन एक रिस्ट्रिक्टेड आजादी मिलेगी इसी तरह बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन एक रिस्ट्रिक्टेड अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना ये रिस्ट्रिक्शन का जो क्राइटेरिया तो है ये हमें डिटरमिन करना पड़ेगा कि कहां से आएगा हमारे पास इस किताब में उन्होंने क्या क्या बुनियाद आपको ये सिखाई कि भाई जिस मामले में भी आपने पढ़ना है ना पहले अपनी ये रिस्ट्रिक्शन ये अपनी जो क्राइटेरिया अपनी बाउंड्रीज है इसको डिफाइन कर, कर दिया ना तो आपके पास इधर उधर जाने की कोई वो नहीं बचेगी अब मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि भाई मैं अपने आपको एक ग्रुप से एस्क्राइब करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई ये ग्रुप ये मानता है ये ग्रुप ये नहीं मानता कल को वो ग्रुप कह देते भाई इसकी बातों से तो हम इतफाक नहीं करते तो फिर कौन जो है वो कायम रहेगा और कौन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो ग्रुप अपनी जगह पे रहेगा मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहूंगा ठीक है सिंपल सी बात है अगर मैं आपको कह रहा हूं कि भाई आप इस सोच के हामिल हैं और आपने कह दिया मैं नहीं हूं तो ठीक है आप नहीं है अब मैं नहीं कह सकता लेकिन अगर मैंने कहा कि एक ग्रुप है जो कि इस सोच का हामिल है और आप कहते हैं कि नहीं वो इस सोच का हामिल नहीं है अब हम दोनों क्या हैं मुद्दा है एक तरह का दावा कर रहे हैं मैं एक दावा कर रहा हूँ आप एक दावा कर रहे हैं अब सिर्फ दावे की बुनियाद पे नहीं होगा मसला हल दावे की बुनियाद पे नहीं होगा अब किस बुनियाद पे हल होगा अब सोर्स रेफरेंस चाहिए होगा अब वो रेफरेंस कोई शख्स हो सकता है कोई अथॉरिटी हो सकती है कोई बुक हो सकती है कहीं रिटन लॉज होते हैं रूल्स होते हैं कहीं ना कहीं जो सोच बड़ी होती रहती है उन्होंने अपनी सोच को जो है वो कहीं ना कहीं दूसरों तक कम्युनिकेट करने के लिए डॉक्यूमेंट अब किया होता है वो उन चीजों को रेफर किया जाए कि भाई आपका दावा जो है वो ज्यादा हक पे है बुनियाद पर या मेरा दावा जो है वो ज्यादा हक पे है बुनियाद पे जो हम यहाँ पे इल्म हासिल कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के किसी के ऊपर फतवे लगाना ये मकसद नहीं है मकसद क्या है कि इल्म हासिल करने का तरीका क्या होगा मनहज क्या होगा पैटर्न क्या होगा मकसद ये नहीं है कि किताब का तर्जुमा आप करना सीख लें मकसद ये नहीं है आपकी वो कैबुलरी बढ़ता है वो काम लैंग्वेज इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा करते हैं मकसद क्या है कि शरीय ओलूम को अब मिसाल के तौर पर जो दुनिया में अंधा था अल्लाह तला उसको आखरत में भी अंधा उठाएंगे ये बात सही है या नहीं, नहीं है जो दुनिया में अंधा था अल्लाह तला आखरत में भी उसको अंधा उठाएंगे ये बात सही है या नहीं है ये बात बिल्कुल सही है जो शख्स दुनिया में नूर की उसके पास बसारत नहीं थी जिसने अल्लाह की हिदायत को देखा नहीं तो वो आखरत में कैसे उठाया जाएगा अंधा उठाया जाएगा वो कहेगा वक़द कुंतु बसीरा मैं क्या था दुनिया में देखता था अल्लाह ताला क्या कहेंगे कदार का का आया तू न फनसी था कि इस तरह आयात आई थी तूने उनको अटेंशन नहीं दी थी भूल गया था उनको आज हम तुझे भूल जाएंगे तो मेरी बात सही है लेकिन इस आयत के माने को आप डिफरेंट तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं अफाज के कलिमात को आप मुख्तलिने में ले जा सकते हैं कैसे डिटर्मिन होगा कि कुरान की इस आयत ये जो बात है ये इस माने मुराद पे है या नहीं हमारे पास एक क्या क्राइटेरिया है हम कहते हैं कि भाई ये माना सबसे पहले किसकी बताने की जिम्मेदारी थी मेरी आपकी मेरे अबू की आपके दादा की मेरे पड़ोसी की किसकी थी अल्लाह के वसल्लम की थी अल्लाह के नबी अल्ला अल्ला वो किसको सिखाया सहाबा को सिखाया आप वहां से ये अंडरस्टैंडिंग शो कर दें सर आंखों पर आप वहां से ये अंडरस्टैंडिंग शो नहीं कर सकते बाद में जाके ये एक चीज़ डिफरेंट आई है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे कहीं ना कहीं इख्ताफ आ सकता है कुछ मामला ऐसे हैं जो बाद में ही आए हम मिसाल के तौर तो पर सिगरेट पीना है भाई ये बाद का ही मामला है इसमें हो सकता है आपको हर जगह पे इतलाफ मिल जाए कुछ कहेंगे हाँ कुछ कहेंगे नहीं ये बाद ही मामला है इसमें आप ये नहीं कह सकते बताएं भाई कहाँ से ऐसा में था कि भाई सिगरेट पीना जायज है नहीं लेकिन जो मामलात खासकर जो एहतियादी मामलाते हैं ऐतिदादी मामला तब्दील नहीं होते आपने पढ़ा है जो नासिक मनसूख वाली जो बहस है नस्ख की वो अहकाम में होती है एहतिकाद में नहीं होती ठीक है एहतिकाद वैसे के वैसे ही है <laughs> एहतिक जब वैसे के वैसे ही है तो फिर इसका मतलब है कि वो अकीदा वो सोच वो फिक्र वो समझ जो है वो उसकत भी होनी चाहिए कुरान उसके क्या माना था ये नबी वाल समझाने का काम था वसल्लम ने समझाया इसको अदा किया है आपको इस पे अल्लाह ने भी गवाही दी है इस पे रसूल के साहबा ने भी गवाही दी है तो जब वो गवाही दे दी है तो अब हम उसको ट्रेस करेंगे पीछे की तरफ ठीक है अब एक मुन शख्स जो है अच्छा चले आपका एक जो सवाल है वैसे यहाँ पे नमाज खड़ी होगी मैं एक बुनियादी सी बात कह देता हूँ फिर इंशाल्लाह इस बहस को हम वापस आगे लेके चलेंगे अगर हो सके प्लीज मैं ये जो कमेंट्स हैं आपके ये मैं बाद में भी इंशाल्लाह देख लूंगा रिकॉर्डिंग में भी और आप चाहे तो नेक्स्ट क्लास में या आप मुझे चाहे तो मैसेज भी कर दीजिएगा एक मिसाल के तौर पर यह एक फ़र्क है जो हमें समझना पड़ेगा कहीं कहीं पर बयान करने में कहने वाले का माना कुछ और होता है मुराद कुछ और मतलब मुराद कुछ और होती है अल्फाज कभी कभी कुछ और आ जाते हैं कुछ उम्मत के ग्रुप्स हैं जो कि उनकी जो तफरीक हुई है वो हुई है एहतिकी बुनियादात पे या उूल में फ़र्क आने की बुनियादा पे अब वो असूल कभी एहतिकाद से ताल्लुक रहा है कभी फ़िका से ताल्लुक़ रहा है ठीक है जहां पे फ़िका की वजह से अख्तिलाफ रहा है उस इख्तलाफ को फ़िका तक महदूद रखा जाए जहां पे एहतिक की वजह से अख्तिलाफ हुआ है उसको इख्तलाफ की वजह से वो रखा जाए ये दोनों की इंटरमिंग नहीं चलती किस तरह मिसाल के तौर पर बड़े सग़ी में दो ग्रुप्स हैं एक है दीवंद और एक है बरेलवी दोनों किस चीज़ के ग्रुप्स हैं एहताद के या फिका के एहतादात के ग्रुप्स हैं फिका के ग्रुप्स नहीं है दोनों की फिका कॉमन है ठीक है इन दोनों में इख्तलाफ है एहतादात में इख्तलाफ है फिका में दोनों सेम है इनके वाले जो बात कहेंगे उनके वाले भी यही बात कहेंगे क्यों दोनों फ़ि में बुनियादी तौर पर सेम है अब मैं अगर फ़िका पर कलाम करूंगा तो फिर दोनों पर जा रहा है लेकिन अगर मैं एहतिका पे काम करूंगा तो कभी हो सकता है इस पे जा रहा हूँ कभी हो सकता पे जा है उस पर कभी हो सकता है दोनों पे ना जा रहा अगर एक शख्स की तरफ जो नस्बत की जा रही है वो फ़िका की बुनियाद पे की जा रही है तो उस ग्रुप के बाद में आने वालों का अगर एहतिक में कुछ उनसे डिफरेंस रहा है तो एहतिक पे जो बात की जाती है वो उस शख्स की तरफ नहीं की जाती इमाम अब हनीफा रहीम उनका रही, जो ये ग्रुप जो आजकल अहनाफ के तौर पर माना जाता है ये एहतिकी डिफरेंस नहीं है आपको दुनिया के कोने कोने में अहनाफ मिल जाएंगे मुख्तलिफ़ाइद वाले ठीक है मुख्तलिफ़ाइद वाले अहनाफ मिल जाएंगे लेकिन जब मैं पाकिस्तान में बैठ के अगर एक बात कहूँगा कि यार अहनाफ ये मानते हैं तो उससे मुराद दुनिया भर के अहनाफ नहीं होंगे ये आप जहन में रखें दुनिया भर के अहनाफ सेम थाट के नहीं हैं आपको वही नमाज का तरीका वही ज़क़त के मसाइल वही रोज़े के मसाइल आपको दुनिया भर में मुख्तफ जगहों पर मिल जाएंगे विथ डिफरेंसेस इन अकायद तो जब अगर मैं जिस कॉन्टेक्स में कह रहा हूँ वहाँ पर मुराद वहाँ के लोग होंगे अब जब मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर कि अहनाफ का ये कौल है उशूरन जो है वो कहना फिका तो तो में ही कहना चाहिए कि, कि अहनाफ का यह तो कौल है क्योंकि अहनाफ जो है फिका के ग्रुप हैं ज़्यादा बेहतर यो कि अगर मैं अगर एहतिक की बात कर रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा करूँ जिसके एहत्या की बात कर रहा कराऊँ लेकिन अगर मैं मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई देवबंदी ये है, मानते हैं अब आपका यार ये दियोबंदी तो हनफी है तो इसका मतलब बाबू हनीफा को मैं कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है मैं अगर दियोबंद को कह रहा हूँ तो मैं अहनाफ नहीं ले रहा इमाम बनीफा तो ले नहीं रहा और अगेन जब ग्रुप की बात हो रही है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अहनाफ ओ अहनाफ की बात नहीं है शवाफे का भी यही मामला हैनाबिला का भी यही मामला है मालिकिया का भी यही मामला है और बहुत सारों का भी ये मामला है कि उनकी हर कौल उनकी हर फिक्र उनकी हर राय उनका हर असल जो है वो उन इमाम से साबित नहीं होता यानी उनकी तरफ निस्बत एक ग्रुप की की जाती है हर एक कॉल हर एक राय की नहीं होती हर वक्त इमाम अबू हनीफा ने एक मामले में कोई राय नहीं भी दी होगी अहनाफ ने दी होगी अगर बात के उनके ओला ने दी होगी बात के उनकी किसी अथॉरिटी ने दी होगी इसका मतलब नहीं है कि हम ये कहेंगे कि इमाम अबू हनीफा भी यही मानते थे या इमाम अबू हनीफा का फ़िका में भी यही कॉल था बहुत सारे मामलात हैं जो बात के हैं आज का मामला मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में सिगरेट पीते हैं लोग दीनी तौर पर भी सिगरेट पीते हैं ज्यादातर वो आपको किस थॉट के मिलेंगे ज्यादातर किस सोच के मिलेंगे ज्यादातर के सोच के मिलेंगे पाकिस्तान में आपको आमतौर पे अगर वो दीनी है तो आमतौर पे वो आपको हनफी सोच से मिलेंगे उसकी वजह क्या है कि अहनाफ के यहाँ यह मकरू है बरे सगीर में जो अहनाफ है उनके यहाँ सिगरेट पीना मखरू है उनके अमा ने तहरीम का कॉल नहीं दिया इस हवाले से अब क्या हम ये कहेंगे कि हनीफा भी सिगरेट को मकरू मानते थे नहीं कह सकते ना फी मामला तो है लेकिन इमाम अब हनीफा तक ये मामला ट्रेस नहीं होता ना कि इमाम हनीफा ने इस मामले में कोई राय दी हो होने कोई वो ये मामला एग्जिस्ट नहीं करता था इस तरह बहुत सारे मामलाते हैं बहुत सारे असिला ऐसे हैं जो उनसे नहीं किए गए उन तक नहीं पहुंचे उनके बाद आए हैं तो हर कौल हर राय को इमाम अब हनीफा की तरफ जो है वो नस्बत नहीं की जाती चाहे वो ग्रुप अहनाफ ही है अब अहनाफ जो है वो इमाम अब हनीफा नहीं है अहनाफ इज अ ग्रुप इज अ थॉट कहीं ना कहीं उसका महबूल हनीफा रसूलों से ताल्लुक है लेकिन अगेन ये फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे मैं मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा तो दूसरे कंट्रीज पे मैं उसको अप्लाई कर ही नहीं रहा फिलहाल मैं आपको पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि ये जो ग्रुपिंग्स हैं अब शेख साहब ने यहाँ पे कहा अल अलमुरजिया आगे आएगा कि इन ग्रुप्स में से हो सकता है कोई ऐसा नाम भी हो जो आप जानते हैं जो कि फीकी एतबार से हो लेकिन शीर साहब ने उस फीकी ग्रुप का जिक्र नहीं किया अकैद में जो ग्रुप जिस जगह पर रहा है उस जगह पे उसका जिक्र किया अभी मिसाल के तौर पर खवारिज हैं क्या खवारिज जो हैं उनकी फिका कौन सी थी कोई ना कोई फीकी थॉट था वो कदरिया मुरजिया जहमिया फ़िकी थॉट्स भी थी, थी उनकी लेकिन उनके फिकी की थाट्स को यहाँ पे जिक्र नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है उनके अक़ायद की जब आप फिका की किताब उठाएंगे ना जहां पे वहां पे इख्त होगा तो वहां पे ये नहीं कहा जाएगा कि जहमिया का इस बारे में ये कौल है कदरिया का इस बारे में ये कौल है कि वो कहते हैं नमाज में इतनी ये नमा वो वो वहां पे फिर फ़िका के अहतबार से बात होगी तो ये इन मामला को थोड़ा सा अलग रखें कि जिसकी नस्बत फिका के अहतबार से की जा रही है उस पर बात भी फि के अहतबार से की जा रही है जिसकी नस्बत किसी और एतबार से की जा रही है तो उसके अतबार से की जा रही होती है नहीं पाकि ये आपकी देखें मैंने अभी तक कोई बात नहीं की कि रॉन्ग है या राइट है फिलहाल मैंने ऐसा नहीं कहा कि पाकिस्तानी अहनाफ आर राइट और रॉन्ग मैंने ये नहीं कहा मैंने सिर्फ ये कहा कि एक राय है एक कॉल है ठीक है राइट और रॉन्ग का जो मामला है वो फिर हम इंशाल्लाह अगले उसमें डिस्कस करेंगे और दूसरी बात जो आपने ये कही सो अदर्स आर ऑल रॉन्ग अदर देन सेल्फीज अगर आप मैं मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि हाँ ऐसा है मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि सब गलत हैं सिर्फ सलफी सही है और आप कह देती हैं कि नहीं तो इसका मतलब आप क्या मान रहे हैं कि आप सही हैं बाकी सब गलत हैं जब मैं कह रहा हूं कि मैं सही हूं बाकी सब गलत हैं तो आपने जब मुझे गलत कह दिया कि आप गलत हैं तो उसका मतलब है आप भी किसी ना किसी को तो गलत कहते हैं ना कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी से डिसएग्री करेंगे सलफ ने भी किया है सहाबा ने भी किया है आपस में डिसएग्री बाद के आयमा ने भी किया है आपस में डिसएग्री disagree, डिसएग्रीमेंट का एक कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है ठीक है कुछ डिसएग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आइमा और सलफ ने एक्सेप्ट किए हैं एक्सेप्ट किया मतलब उन्होंने कहा है कि ये एक जो आपने शेख हुनैन ने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि अख्तलाफा भी जो है वर्कशॉप उन्होंने कराया था कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी जगह पे रहते हैं उम्मत में रहते हैं मिसाल के तौर पर आपको देता हैं कितना बड़ा मसला है आम, चले अच्छा आम, उम्मत में एक बहुत बड़ा मसला है कि चेहरे का पर्दा करना चाहिए नहीं करना चाहिए अब इसमें एक अख्तिलाफ है और ये कोई आज का अख्तलाफ नहीं एक पुराना इख्तलाफ चला आ रहा है ठीक है वो चला आ रहा है और आपको एक ही ग्रुप के दोनों तरफ के थॉट्स मिल जाएंगे इसका मतलब है ये अख्तिलाफ़ कहीं ना कहीं ऐसा है जिसमें कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि किसी को समझ में आती है किसी को वो सही लगती है किसी को इतनी मजबूत नहीं लगती कुछ अख्तलाफ ऐसे हैं जब सहाबा मैंने वो देखा कि भाई यहाँ पे ये चीज़ हमसे अख्तिलाफ़ हो रही है वो हम जिक्र करेंगे इन शह तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इख्त हम एक्सेप्ट करें बल्कि उन्होंने कहा कि इस सोच का जो भी हामिल है ना उसको हम एक अलग ग्रुप से ताबीर करेंगे उस ग्रुप का एक अलग नाम देंगे जब उन्होंने उसको एक अलग ग्रुप कर दिया तो साहबा ने टेक्निकली क्या किया उन्होंने ये किया कि हम सही हैं ये ग्रुप वाले हम में से नहीं है अब आप उनको गलत कहना चाहें गलत कह रहे हैं बातिल कहना चाहें आप आहलुल बातिल कह कोई भी का वर्ड नहीं कह रहा यहाँ पे कि ये जहनुमी है ये किसी ने नहीं कहा क्योंकि जन्नत और जहनुम में जाना जो है वो इंसान का फैसला नहीं है वो अल्लाह ताला ने फैसला करना है हमें नहीं पता होता कि कौन जो है सहाबा के सामने एक शख्स शहीद हुआ साहबा उसके बारे में अच्छा गुमान करने लगे नबी ने वाजे कर दिया कि इसका मामला तो तुम नहीं जानते सहाबा में से तो हम बाद वाले में तो एक बिल्कुल ही दूर का मामला है तो बरबानी इसको इस तरह मत समझा करें कि अकीदे आ... का भी अगर कोई इखिलाफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जहनुम यानी एक मुआन शख्स जो है वह जहनुमी है मिसाल के तौर पर ये इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल का भी कॉल रहा है इमाम मालिक का भी रहा है शायद शाफी का भी रहा है कि जिसने एक नमाज छोड़ी वो क्या है इमाम अहमद बिन हम्बल का तो पक्का पक्का रहा है कि उन्होंने कहा था जिसने एक नमाज़ छोड़ी उसने कुफर किया इस्लाम से ख़ारिज हो गया अब उसको अगर नमाज पढ़नी है तो वो क्या करे खलमा पढ़े एक नमाज मंतरा का सलातन फ़तद का फरा अब उन्होंने हदीस की यह समझ ली एक ये इख्तलाफ रहा और कुफर और इस्लाम का अख्तिलाफ रहा बात यह है कि इसकी वजह से उन्होंने ये नहीं कह दिया यार तुमने ना अभी नमाज छोड़ दी तुम जहन्नमी हो गए हो ये किसी ने नहीं कहा हाइमा में से किसी ने इस तरह नहीं कहा कि तुम एक मोयन शब्द है वो जहन्नमी हो गए हो ये बात नहीं है आप किसी शख्स को मिसाल के तौर पर आपने ये बात पढ़ी है अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना इसका क्या हुक्म है जायज है हराम है शिरक है शिरक है अकबर है क्या है? किसी गैरुल्ला को सजदा करना इंसान को इस्लाम से निकाल सकता है निकाल सकता है लेकिन आपको किसी उस्ताद ने कहा कि आप जिसको भी सजदा करता हुआ गैरुल्ला की तरफ देखें आप उसको कह देंगे तू इस्लाम से निकल गया काफिर हो गया तुम जहन्नुम में जाओगे क्योंकि तुमने गैरुल्ला को सजदा किया है किसी उस्ताद ने आपको सिखाया नहीं सिखाया ना क्योंकि ये बात नहीं होती कि अगर आपने कहा कि भाई ये यकीदे का मामला है या नहीं है गैरुल्ला को सजदा करना गैरल्ला के नाम पे जबा करना या कदे का मामला है या नहीं नहींदे का मामला है लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये अगर मेरे मैं इसे अखतराफ कर रहा हूँ या तो ये कहा कि भाई वो भी सही है गैरल्ला को सजना करना भी सही है और गैरल्ला को सजा नहीं करना भी सही है ऐसा भी नहीं होता या तो वो सही है या तो ये बात सही है दोनों मुतजाद हैं दोनों आपस में जमा नहीं हो सकते नकीजैन है एक सही है एक गलत है और अगर मैं उसको गलत कह भी रहा हूँ तो मैंने उसको ये नहीं कहा कि भाई ये मुन शख्स है वो जहनुमी है ये हम तकफी में खैर हमारे पास इतना टॉपिक तो नहीं आगे तकफीर का लेकिन एक अमल का कुफ्रिया होना और एक शख्स का काफिर होना इन दोनों में बहुत फर्क है एक अमल कुफ्रिया है मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा अब अब रसूल ही कुम दस्ताजून यही आए थे लाता तजी तुम बाई क्या अल्लाह और उसके रसूल के साथ ही तुम्हें यह मजाक करना सोचता है ला जीरो तुम ये उजुर ना बयान करो कद कफर तुम क्या वर्ड है कद कफर तुम हैदा ईमान तुमने क्या कर लिया है कुफर कर लिया है ईमान के बाद अब आप किसी गैदरिंग में और एक शख्स जो है वो दीन के एतबार से कोई मजाक करता है आप ये कह सकते हैं कि तुम काफिर हो चुके हो जहनुम में जाओगे अगर अब यही मर गए नहीं कह सकते अमल का कुफ्रिया होना और एक शख्स का काफिर होना दोनों में बहुत फर्क है ठीक है ये कहना कि एक मान शख्स काफिर हो गया दीन इस्लाम से निकल गया है ये तकसीर एक बिल्कुल अलग मामला है और ये कहना कि एक अमल कुफ्रिया अमल है ये एक अलग मामला है इन दोनों में फर्क किया जाता है फ़र्क रहेगा जिन्होंने ये फर्क नहीं किया शेख साहब उनका जिक्र करेंगे कि ये उम्मत वस्तव में से नहीं है ये इफ़रात तफरीत वाले लोग हैं और वो आएगा ये जो अस्मा अलमानी व दीनी बैन अलूरिया मुरजिया तो इसमें यह बात आएगी कि ये कहना कि भाई इस शख्स ने यह कर दिया अब ये कुफर में चला गया मुखलत फिर नार है ये आलसन्ना जमा का कौल नहीं रहा है लेकिन ये भी नहीं रहा है कि जो कर रहा है उसको करने दो उसको आप गलत भी ना कहो उसको आप अपने आप को सही भी समझो लेकिन उसको गलत भी ना समझो उसको रोको भी नहीं अमल जो है वो गलत है ये सोच जो है वो गलत है इसका इनकार भी किया जाएगा इसको समझाया भी जाएगा इसको मना भी किया जाएगा और इस शख्स को ये नहीं कहा जाएगा कि तुम जहनुम में हो हाँ ये बोला जाएगा कि ये अमल कुफ्रिया है ये अमल पोटेंशली इंसान को जहनुम तक पहुंचा सकता है क्यों पहुंचा सकता है क्योंकि अमल है अमल का जो इख्ताम है वो कहाँ पे जहनुम में अगर हम ये नहीं कहेंगे ना तो क्या है फिर नबी वसम की उस हदीस का फायदा क्या रह जाएगा बिदातिन कुल्लू बिदातन गलाु गला या तो आप कहें कि उम्मत है फिर बिदती नहीं होती फिर या तो उम्मत अगर बिदर्त ही नहीं करती तो इस हदीस का फायदा क्या है अगर बिदर्त का मतलब है कि इस्लाम यानी मुसलमान के अलावा ही बिदत करेंगे कुफर करेंगे तो उनके लिए बिदर्त का वर्ड ही इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं है बिदर्त का वर्ड तो अप्लाई ही उम्मत पे होगा मुसलमानों पे होगा और उसके बारे में नबी वसल्लम ने क्या कहा ये नहीं कहा कुल्लु फिन्नार हर जो है हर बिदा करने वाला या साहेबुलबिदा है साहेबलबिदा अलग चीज है और बिदा अलग चीज है जरूरी नहीं है कि एक साहेबुलबिदा जो है लाजमी तौर पर जहनुम में ही जाएगा ये किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता हाँ लेकिन एक सोच गलत हो सकती है एक सोच उफ्रिया सोच हो सकती है एक सोच जो है वो जहनम की तरफ ले जाने वाली सोच हो सकती है तो प्लीज इसमें जो है वो थोड़ा सा हम फर्क रखेंगे इनशाला जी हमारी जमात चली गई मैं और इनशाला यहाँ पे इस भाई हैं हम दोनों साथ पढ़ लेंगे इनशाला तला आसान करे इस टॉपिक को चूंकि हमारा अगला ये टॉपिक है पहले भी जब ये डिस्कशन हुई थी मैंने आपको बताया था कि आगे फिर अब इनकी तफासिल आएंगी तो ये चीजें आएंगी आम, बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में जो है फिर मैं यही रखूंगा इनशाला कोशिश तो करूंगा कि मेरी क्लास पास्ट की जो हमारी एक मिसिंग है वो बीच में अगर कहीं था बाई जब भी मुमकिन हो मुझे एक क्लास कवर भी करनी थी इन फिर भी मैं अगर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आ, या तो क्लास से पहले ही मुझे क्वेश्चंस भेज दें ताकि मैं उसके एतबार से फिर डायरेक्ट जवाब दे दूं या फिर हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे कोई मसले की बात नहीं है इनशाला ज़रूरी नहीं है मेरे पास हर चीज़ का जवाब हो लेकिन जो जवाब होगा वो हो मैं दे दूंगा अच्छा अलहमद अच्छी खासी क्वान्टिटी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक चीज़ की तरफ जो है मुझे आप सबकी तंबी करनी थी आपकी क्लास में आप स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे जो है वो हमने ये आपका जो ऑनलाइन चैट का ऑप्शन होता है वो हमने फॉर एवरी रखा था ठीक है ये आपकी क्लास की रिक्वेस्ट की वजह से किया था वरना हमारे जो वैसे जनरल रूल है वो ये नहीं है कि स्टूडेंट्स एक दूसरे से जो यानी आपको कमेंट्स दूसरों के दिख रहे हो ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पे किया था लेकिन अगर इसका कोई गलत इस्तेमाल होगा तो वो इदारा जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा इसके गलत इस्तेमाल का क्या मतलब है यहाँ पे जो भी शख्स इलम हासिल करने आ रहा है इवन टाइम पास करने भी आ रहा है ऑनलाइन आ रहा है ऑन कैंपस आ रहा है हर एक शख्स जो है वो हमारे लिए मोहतरम है हमारे लिए बाजत है उसका किसी भी तरह जो है वो उसको उसको हकीर समझना या उसका मजाक उड़ाना जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे एक एक स्टूडेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है चाहे वो मेरी किसी बात से इख्तलाफ करता है मेरी बात से इतफाक करता है ये बात नहीं है इवन इफ अगर वो मुसलमान नहीं भी है तब भी वो हमारे लिए इस जगह पे जो है वो काबिल एहतराम है अगर स्टूडेंट्स की किसी भी स्टूडेंट की इस तरह की आगे आंदा जाके खुदाना खास्ता कंप्लेन आई कि उन्होंने किसी दूसरे को इस तरह कोई टीजिंग मैसेज किया है या कोई पॉइंट आउट किया है तो फिर हम उनके खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकते हैं बर मेहरबानी इस हमल से आप रिफ्रेंड करें अलहमदिल्ला यहाँ पे आपके पास उस मौजूद होते हैं किसी को भी कोई भी कंसर्न होता है वो अपने उस्ताद से डिस्कस करें अगर उस्ताद क्लास में डिस्कस करना चाह रहे हैं क्लास में डिस्कस कर लें अगर आपको उस से कोई मसला है भी कोई शिकायत शिकायत है भी आप अलग से एडमिन से भी रहा कर लें लेकिन आप ये क्लास में ना बोलें ये थोड़ी सी ना बदतमीजी वाला पहलू होता है कि आप क्लास में सबको बोलें इनकी तो मैं शिकायत करूंगा दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में कुछ फ़र्क है दीनी तालीम में चाहे आप उस शख्स की फिकर से एग्री नहीं भी कर रहे लेकिन ये एक अहतराम का तकाजा है कि आप इस तरह की बात जो है सबके सामने ना करें आप उनकी बात से डिसग्री करते हैं आपको उनके अंदर कोई कमी कोताही लगती है कहीं आपको ऐसा लगा कि उन्होंने कोई गलत बात की है किसी से बदतमीज़ी की है। आप बिल्कुल हमें बताएं कोई मसले की बात नहीं हम आपकी बात सुनेंगे भी इन लेकिन पब्लिकली क्लास में कोई किसी की तरफ कॉमेंट डायरेक्ट नहीं करे बर मेहरबानी कोई पब्लिकली कोई इस तरह की बात ना कि ये उस्ताद गलत है अलहमदिल्ला उसा जो है या तो आप कोशिश करके आप यहाँ पे इस सीट पे आ जाया करें तो फिर आप जिनको जवाब देना चाहें आप जवाब दे दिया करें वरना जो उस्ताद मौजूद है आप कोशिश करें कि उस उस्ताद को जो है वो बरह मेहरबानी जवाब देने दें अगर उस्ताद जवाब नहीं देना चाह रहा तो आप भी छोड़ दें उस्ताद अगर जवाब नहीं दे रहा इसका यह मतलब नहीं है कि वो बाकी सबको कह रहा है कि जिसको जवाब देना है वो जवाब दे दें ब्राह मेहरबानी इस चीज़ को आप समझें अगर उस्ताद ने किसी क्वेश्चन को इग्नोर किया है आप भी जाने दें और ये जो टेक्निकली ये चैट का सेशन है ये टेक्निकली क्लासेस में सवालत के लिए कमेंटिंग के लिए नहीं मेंटिंग फेसबुक वगैरह पे आप कमेंट्स करें मर्जी ये क्लास के जो चैट है ये सवाल के लिए है कोई मसला आ रहा है कोई बात पूछनी है किसी चीज में क्लैरिफिकेशन चाहिए या उस्ताद ने कोई सवाल पूछा आप उसका जवाब दें ये कमेंटिंग के लिए नहीं है इवन ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर उस्ताद ने कोई अच्छी बात की तो आप यह कहें माशा बहुत अच्छी बात की जजाक खैर दिल कुछ हुई इन बातों की भी कोई जरूरत नहीं है खाम खाम में एक तो जगह भी वो उस्ताद के लिए कन्फ्यूजन होती है और दूसरा ये कि खासकर आपस में एक दूसरे को कोई ये ना कहे वो ओ बिदती तुम जरा ये बात सुनो तुम्हारे बारे में ये बात हो रही है या ए तुम एक खास शख्स तुम जरा से बात सुनो ऐसी कोई बात जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी अगर किसी का भी एविडेंस के साथ हमें इस तरह की कंप्लेन आई है तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि फिर हम उनको जो है वो क्लासेस में आने से जो है वो हो सकता है कि रोके जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हर स्टूडेंट हमारे लिए मोहतरम है तो दूसरों के एहतराम का एक तखाजा है ये है कि उनको ये जगह दी जाए उनको अपनी राय का इजहार करने का भी मौका दिया जाए अगर उस्ताद को लगेगा यहाँ पे अलमदिल्ला इसके पास सारे कंट्रोल मौजूद है वो किसी को म्यूट करना चाहेंगे वो म्यूट कर देंगे क्लास से निकालना चाहेंगे वो क्लास से भी निकाल देंगे चैट में उनको ब्लॉक करना चाहेंगे चैट में भी ब्लॉक कर देंगे उसकी मर्जी पर छोड़ दें आपस में बरए मेहरबानी ऐसी चीजें ना करें ठीक है जना उदे की इन शाह कुछ बातें वाजी Uh, हुई होंगी या कुछ जो है वो कम अज कम आगे हम इनशाला कुछ चीज़ों को डिस्कस और बेहतर तरीके से कर सकेंगे क्योंकि मेरी तरफ से किसी हद तक तो जो मुकदमा था वो uh, जा चुका है ठीक uh, है इनशाला फिर हो सकता है बीच में कोई क्लास का अगर मौका मिल गया अदरवाइज इनशाला अगली क्लास में फिर हम यहीं से इनशाला शुरू करेंगे जो इनके सवाल थे उन सवाल को भी मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा और फिर इनशाला आगे चलेंगे अगर आप मेरी किसी बात से डिसग्री करते हैं ऐसा नहीं है मैं ये नहीं समझता कि मेरी सारी बातें जो है वो कुछ ऐसी हैं कि हर किसी को मानना जरूरी 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 है ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन अगर आप इख्तलाफ भी करें मुझसे या किसी और उस्ताद से भी इख्तलाफ करें तो ये बुनियाद एक जरूर रखें कि आपके पास एक क्राइटेरिया मौजूद हो मैं क्या चाहता हूँ मैं क्या सब, मैं, मेरी फीलिंग्स ऐसी हैं ये बुनियाद नहीं होती मैं एक शख्स के बारे में सोचा ये शख्स मुझे अच्छा लग रहा है ये नेक होगा किस वजह से या मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अब वो फीलिंग तो कल को चेंज हो सकती है मेरी सोच नहीं क्राइटेरिया जो है वो शरीय ने हमें सिखाया है कि भाई क्राइटेरिया आपका वाजे होना चाहिए उस क्राइटेरिया की तरफ आप रेफर करेंगे तो इंशाल्लाह हम एक पेज पे रहेंगे आप क्राइटेरिया से आगे पीछे होंगे मैं अगर आगे पीछे होंगे मैं आपको कहना यार मेरे वाले ने इस तरह कहा या मैं इस तरह सोचता हूँ तो आप कहेंगे भाई आप कौन है सिंपल सी बात है तो ये बात आप आपने जहन में रखें कि आप जो भी बात करें इंशाल्लाह उसका भी आप क्राइटेरिया रखें सुनने को भी लोग तैयार रहे हैं इनशाला अमल भी करने को हम भी भाई इधर बैठे कि हमें भी कोई बात अल्लाह का शुक्र है अलहमद इतना तो अल्लाह तला ने फिलहाल तो वो वो है कि कोई अच्छी बात पता चलेगी उस पर हम भी अमल करने की कोशिश करेंगे लेकिन जैसे आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं कुरान और सुनत पे बेस करती है इनशाला ठीक है जनाबैरिक्वी वरि व